श्रेष्ठतम संगीत नेताओं में परिगणित हैं। अतुल सहदेव सिंह का दुर्भाग्य कर रहे हैं। जो लोग संगीत, दर्शन, मध्यकालीन साहित्य इन क्षेत्रों में पिछले 20-25 वर्षों की विशेषज्ञता से परिचित हैं, उन्हें बताना आवश्यक है कि इन सभी क्षेत्रों में ठाकुर सहदेव सिंह का नाम देश के शीर्ष स्थानीय विशेषज्ञों में लिखा जाता है। बावजूद इसके अत्यंत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने न तो शोध करना हुआ है, न विचार करना, और हमारे परम सौभाग्य से हम पर कृपा करना भी उन्होंने कम से कम अभी तक नहीं छोड़ा है, और हमारे निरंतर पर पिछले कुछ एक आध दो वर्षों में एकाधिक बार यहाँ आए हैं। हमने अपने मन से कोई विषय उन्हें निर्धारित नहीं किया था, बल्कि उन्हीं से आग्रह किया था कि कोई विषय जो उनको अपनी रुचि और सामान्य प्रासंगिकता के अनुकूल मिले से साथ रहते हैं। उन्होंने इन व्याख्यानों के लिए जो विषय चुना है वो है राग और उदास। हम आप सभी ओर से, भारत भवन की ओर से, उसका राजनी की ओर से ठाकुर देवेश सिंह जी का यहाँ बहुत प्रणाम करते हैं। और श्रीमान वाजपेयी जी और मित्रों, मैंने भारत में प्रत्येक प्रदेश में भ्रमण किया है, परंतु मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ गत वर्ष जब मैं आया कि मध्य प्रदेश ने जो ललित कलाओं की ओर प्रयास किया है उसके समान भारत वर्ष भर में कहीं भी किसी ने कुछ भी नहीं किया। सच बात तो ये है कि इस प्रकार के प्रयास के लिए पहले तो अनुराग चाहिए, उसमें निष्ठा चाहिए, उत्साह चाहिए, कल्पना चाहिए, योजना चाहिए और कार्यान्वयन चाहिए। ये सब मैंने यदि कहीं देखा तो श्रीमान अशोक वाजपेयी जी ने और उन योजनाओं का कार्यान्वयन वो कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को विदित हैं। मैंने ये सोचा, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उससे, और मुझे ऐसा लगा कि ये भी पुनरुज्जीवन कला का हो सकता है, चाहे वो साहित्य हो और चाहे वो संगीत हो और चाहे वो चित्र हो, यदि पुनरुज्जीवन हो सकता है, पुनरुत्थान हो सकता है तो मध्य प्रदेश से ही होगा। यूँ भी प्राचीन समय में भी मध्य प्रदेश कम से कम उत्तरी भारत का तो मध्य था ही, भारत भर का हृदय था, और संगीत ग्वालियर देवास इन स्थानों में संगीत का जो उत्कर्ष हुआ वो इतिहास में उल्लेखनीय है। अतः यदि मुझे आशा है पुनः अपने संगीत के पुनरुत्थान की तो मध्य प्रदेश से ही है। अतः मैंने ये सोचा कि जो एक व्यक्ति अपने स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से जो कला की सेवा कर रहा है उसमें योगदान में यदि कर सकता हूँ तो वो करना मेरे लिए कर्तव्य ही नहीं, मेरा धर्म होना चाहिए। इसीलिए इस 90 वर्ष की अवस्था में भी मैंने सोचा मैं और योगदान तो कर ही नहीं सकता हूँ, केवल वाणी से योगदान कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि इस व्याख्यान माला में मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी मुझे मालूम है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और उसी आशा से मैं यहाँ उपस्थित हुआ। विषय जो मैंने चुना है राग और रस, ये नितांत आवश्यक है परंतु उसके साथ ही नितांत कठिन भी। पहले मैं रस को लूँगा, आज उसी पर थोड़ा बहुत भाषण करूँगा और उसके बाद फिर राग इत्यादि को देखूँगा।
रस एक ऐसा शब्द है जिसके दो अर्थ हैं, सामान्य और विशेष। प्रायः अपनी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके दो अर्थ हुआ करते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य साधारण जो सब लोग उसका प्रयोग करते हैं, साधारण अर्थ में उसका प्रयोग होता है, विशेष पारिभाषिक अर्थ। साधारण अर्थ में तो रस का आस्वाद, टेस्ट, आस्वाद, आनंद, यही अर्थ। परंतु हमारे चिंतकों ने जो इस पर विचार किया है वो मैं समझता हूँ विश्व के साहित्य में, विश्व की के कला क्षेत्र में कहीं ऐसा विचार नहीं हुआ। भरत के पूर्व इस पर क्या विचार हुआ था इसका तो पता नहीं चलता, परंतु भरत के नाट्यशास्त्र से प्रारंभ से लेकर के और 17वीं या 18वीं शती तक इस पर विचार बराबर होता था। 2000 वर्ष का जो इस पर विचार है वो दो व्याख्यान में उन सब को व्यक्त करना तो असंभव ही है, परंतु उसमें जो मुख्य तत्व हैं वो आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करूँगा। भरत का काल प्रायः ईसा पूर्व 200 से लेकर के ईसा के बाद 200 तक लोग समझते हैं। तो 200 पूर्व से लेकर के और ये 20वीं शती है, फिर भी 2200 वर्ष का हो सकता है। और भरत ने एक छोटा सा सूत्र अपने नाट्यशास्त्र में रस पर जो लिखा उसके ऊपर लगभग 1500-2000 वर्ष तक चर्चा होती रही, विवाद होता रहा, ग्रंथ लिखे गए। और अंत में जो अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती और धुन्यालोक लोचन ग्रंथ लिखे उसने इस चर्चा की पूर्ति कर दी। रस शब्द का साधारण अर्थ दो ही होता है, एक तो होता है एसेंस, संतरे का रस हमको चाहिए, एसेंस होता है, क्विंटेसेंस होता है, सार होता है, खींच जो उसका है उसको फेंक करके सार मात्र हमको चाहिए तो हम कहते हैं इसका रस हमको दे दो। दूसरा होता है आस्वाद, उस आस्वाद से जो आनंद होता है, यही साधारण अर्थ रस का है। तो हमको ये देखना है कि कला में चाहे भी कोई भी कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो, नाटक हो, कुछ भी हो, रस का भाव क्या है और रस की निष्पत्ति किससे होती है। तो ये तो साधारण बात है कि भाव से ही रस की निष्पत्ति होती है, परंतु भाव क्या है, पहले भरत ने यही प्रश्न उठाया है, किन्नु भवतीति भावः भावयति इति वा भावः। संस्कृत में भावयति इति भावः भी बनता है और भवतीति भावः, भवतीति भावः माने जो हम पर हो रहा है, जो गुजर रहा है, हमारे हृदय में जो बीत रहा है वो भी भाव। और भावयति इति भावः का अर्थ यह होता है कि कलाकार दैनिक जीवन के धरातल से उठा करके कला में उस भाव को जो व्यक्त करता है वो भी भाव है, वहाँ भावित भावित करता है। भरत का यह कहना है कि कला में भाव से जो रस की निष्पत्ति होती है वो भवतीति भाव से नहीं होती। जो दिन रात हमको सुख दुख होते हैं, जो दिन रात हमको हर्ष विषाद होता रहता है, वो तो जीवन की एक वस्तु है, परंतु उस सुख दुख को, उस हर्ष विषाद को, उस हास्य रुदन को कलाकार जिस माध्यम से व्यक्त करता है वो एक दूसरे धरातल पर उठा देता है। वो वही नहीं है जो जीवन में होता रहता है।
वो एक ऐसे धरातल पर उसको ले आता है जो वो आस्वादमय हो जाता है। यही विशेषता है कला की और जीवन की। लोग रियलिस्टिक होना चाहिए, एक प्रायः कहा करते हैं, यथार्थवाद का यह कथन है। परंतु जैसा जीवन में होता है केवल उसी का फोटो यदि हम रख दें तो वह कला नहीं बन सकती। चित्र बनाएं तो बन सकती। तो कारण क्या है? कारण यह है कि उसमें वो लक्षणा और व्यंजना के द्वारा कलाकार उसको व्यक्त करता है। प्रायः तीन अर्थ होते हैं शब्दों के, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा तो वो होता है जो साधारण शब्द से का प्रयोग हम लोग डिनोटेशन में करते हैं, इंगित करने के लिए करते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ते एक पशु है कुत्ता, तो वो अभिधा है। कुत्ते का एक चित्र हम खींच देते हैं, वो भी अभिधा है। परंतु यदि हम कहें हट कुत्ते यहाँ से, तो वो अभिधा नहीं, क्योंकि वो तो मनुष्य है, वो कुत्ता तो है नहीं। परंतु कुत्ते के प्रकार से उसको हम घृणित समझते हैं, ये अर्थ हो जाता है वहाँ, लक्षणा का अर्थ हो जाता है। ऐसे ही व्यंजना वो होती है जो इससे भी आगे संकेत मात्र जिसमें होता है, जिसको सजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसी शब्द का अर्थ हो जाता है। तो कलाकार जो होता है, चाहे वो साहित्य में हो चाहे संगीत में हो, जीवन के धरातल से उठा करके भाव को एक दूसरे धरातल पर ले आता है। और वहाँ भवत इति भाव नहीं है, वहाँ भावयत इति भाव है। वो भावित करता है अपने शब्दों के द्वारा, अथवा स्वर और लय के द्वारा, अथवा रंग के द्वारा। वो एक विशेष प्रकार से उसके श्रोता अथवा दृष्टा को भावित करता है। वो जो भाव की स्थिति है उससे रस की निष्पत्ति होती है। जो दैनिक जीवन में भाव की स्थिति है हमारी, उससे नहीं होती। दैनिक जीवन में जो शोक और हर्ष होते हैं उससे निष्पत्ति नहीं हो सकती। तो जब हमने ये देखा कि कलाकार भावित करता है उससे रस की निष्पत्ति होती है, तो अब हमको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से रस की निष्पत्ति से, उस भाव से रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है। मैं ब्लैक बोर्ड पर जरा चाहता हूँ कोई सज्जन चाक ले आए। एक कॉलम में बनाइए इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति, दूसरा कॉलम बनाइए इमोशन या भाव, तीसरा कॉलम बनाइए स्थायी भाव, और चौथा कॉलम रस। अब इसको लिखे, पहले एक में लिखे आत्मरक्षा, इमोशन के नीचे भय, स्थायी भाव के नीचे भय, रस के नीचे भयानक रस। दूसरा इंस्टिंक्ट के नीचे योत्सा, लड़ने की इच्छा, युत्सा प्रग्नासिटी।
इमोशन के नीचे क्रोध, स्थाई भाव के नीचे क्रोध, रस के नीचे रौद्र रस, तीसरा निवृत्ति, निवृत्ति और स्थाई भाव के नीचे घृणा, नहीं इमोशन के नीचे, हम सॉरी इमोशन के नीचे घृणा, स्थाई भाव के नीचे जुगुप्सा, जुगुप्सा और रस के नीचे बीभत्स रस, चौथा शरणागति, और इमोशन के नीचे शोक, स्थाई भाव के नीचे शोक और रस के नीचे करुण। पांचवा मूल प्रवृत्ति के नीचे काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति इमोशन के नीचे काम, स्थाई भाव के नीचे रति, रस के नीचे श्रृंगार, छठवां कौतूहल, इमोशन के नीचे आश्चर्य, स्थाई भाव के नीचे विस्मय, रस के नीचे अद्भुत, सातवां आमोद, और भाव के नीचे या इमोशन के नीचे हास, स्थाई भाव के नीचे हास, रस के नीचे हास्य, आठवां आत्महीनता, इमोशन के नीचे दैन्य, स्थाई भाव के नीचे निर्वेद और रस के नीचे शांत रस, आत्माभिमान, इमोशन के नीचे उत्साह, स्थाई भाव के नीचे उत्साह और रस के नीचे वीर रस,
तो पहले तो जिस अर्थ में साधारणतः हम लोग भाव शब्द का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में कला में भाव का प्रयोग नहीं होता। कला में जैसा मैंने अभी कहा भावयतिति भाव, कलाकार जीवन के धरातल से उठाकर कलाकार की धरातल पर लाकर उसे भावित करता है, भावित करता है अर्थात आस्वाद योग्य बनाता है उस भाव को। उस अर्थ में भाव का प्रयोग कला में होता है, चाहे वह संगीत हो और चाहे वह साहित्य हो, और उससे रस की निष्पत्ति होती है, बाद में हम लोग देखेंगे। तो उसमें विशेषता क्या होती है कि जीवन में तो एक विशेष देश और विशेष काल की सीमा रहती है, एक विशेष समय की सीमा रहती है। किसी के पुत्र का निधन हो गया, उसका शोक होगा, तो निधन के समय शोक होता है उसको, सदा शोक बना रहता है वो तो बात और है, परंतु वह जो उसकी तीव्रता है वो समाप्त हो जाती है। एक समय और एक देश, एक जगह पर जो कला में भाव प्रदर्शित होता है वो देश और काल की सीमा से परे हो, वह सार्वभौमिक भाव में व्यक्त होता है। इस बात को हमको पहले समझ लेना है। जब वह सार्वभौमिक भाव में व्यक्त होता है वह भाव, तभी उससे रस की निष्पत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। अब रस की निष्पत्ति होगी कैसे, उसमें आठ तत्व हैं जिससे रस की निष्पत्ति होती है। सारे भाव का सार आ जाएगा पहला, दूसरे उसमें आस्वाद आवेगा दूसरा, तीसरे उसमें तन्मयता चाहिए, अधम स्व का खो जाना होता है, उत्तम स्व का उत्कर्ष होता है, फिर राग द्वेष की ग्रंथियां टूट जाती हैं, संविद विश्रांति हो जाती है, वो ब्रह्मानंद सहोदर हो जाता है और वो अलौकिक होता है। ये आठ बातें होती हैं रस में, और वो तभी संभव है जबकि जैसा मैंने कहा भावयतिति भाव, वो भाव जो कलाकार जिस अर्थ में उसका प्रयोग करता है उस अर्थ में जब रस का संबंध उस भाव से होता है तभी इस प्रकार की बातें होती हैं। अभिनव गुप्त ने प्रत्येक कला के लिए लिखा है कि दो आवश्यक तत्व हैं, एक है प्रख्या दूसरी है उपाख्या। प्रख्या उस प्रतिभा को कहते हैं जो कलाकार में सहजा होती है, जन्मजात होती है, बिना उसके कोई बड़ा कलाकार नहीं हो सकता है। प्रयत्न से कोई कलाकार हो सकता है, उसको अभिनव गुप्त ने कहा है आहार्य, उसमें जन्मजात प्रतिभा नहीं है परंतु आहार्य है, अक्वायर्ड है, और तीसरे अभ्यास से थोड़ा बहुत कोई कलाकार हो जाए तो हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा कलाकार जो होता है उसमें जो जन्मजात प्रतिभा होती है उसको अभिनव गुप्त ने कहा है प्रख्या उसमें। और उपाख्या क्या होती है, उपाख्या जो है वो वर्णना शक्ति, पकड़ तो उसमें आ गई तत्व की, लेकिन उस पकड़ को व्यक्त करने की शक्ति, कवित्व शक्ति साहित्य में, ये जो है उसको कहते हैं उपाख्या। उर्दू के एक शायर ने कहा है दिल के कस्से कहाँ नहीं होते, हाँ वो सबसे बयां नहीं। वो जो वर्णना शक्ति, ये दूसरा तत्व है कला का। तो अभिनव गुप्त का कहना है
प्रख्या और उपाख्या ये दो सरस्वती के दो कुछ हैं और उनका ही पान करके कोई भी कलाकार कलाकार बन सकता है। ये होते हुए भी अब वो किस प्रकार से रस की निष्पत्ति करेगा इस पर हमको विचार करना है। भरत का नाट्यशास्त्र में एक सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात अभिव्यक्ति होती है। अब हमको इसमें तीन पारिभाषिक शब्द हैं, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव। भाव को तो हमने देख लिया क्या है, विभाव क्या है। यतः भरत नाटक लिख रहे थे इसलिए नाटक के ही परिप्रेक्ष्य में उन्होंने रस की परिभाषा बनाई है। तो नाटक में विभाव विशेषण भावति विभाव, जो विशेष रूप से भावित करे, वो विभाव दो प्रकार का होता है, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन वो होता है जिसको लेकर के सारा वह भाव चलता है, जैसे शाकुंतल नाटक में दुष्यंत और शकुंतला, ये आलंबन आलंबन विभाव हैं, उन्हीं के आधार पर सारा नाटक है। उनके भीतर जो भाव उठ रहे थे उसी की अभिव्यक्ति, ये विभाव होना चाहिए। एक तत्व तो विभाव है, केवल विभाव से नहीं होगा, उसमें पहला जो तत्व है विभाव का आलंबन हो तो होना ही चाहिए, दूसरा उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, एक उद्यान का मिलना, बसंत का आगमन, एकांत में मिलन इत्यादि, ये सब उस भाव को उद्दीप्त करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो विभाव हमने देखा दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। और अनुभाव क्या है, जो अनुभव करावे। भाव जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, हमारे भीतर शोक है तो कोई हमारे भीतर क्या चल रहा है दूसरा नहीं जान सकता, केवल एक ही माध्यम है जिसके द्वारा वो जान सकता है, और वो माध्यम ये है कि हमारे शरीर पर उस भाव का क्या प्रभाव होता है, ये शरीर के द्वारा देख करके लोग अनुमान कर सकते हैं कि इनको शोक है। यदि किसी को शोक बहुत हो गया तो उसका मुख पीतवर्ण हो जाएगा, संभव है उसके आँखों से आंसू गिरे, संभव है उसको उसके भीतर से एक आह निकले। ये सब जो फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, जो शारीरिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इमोशन भाव स्वयं इतना सब्जेक्टिव होता है, स्वनिष्ठ होता है कि दूसरा जान नहीं सकता। उसके जानने का उपाय केवल जीवन में यही है कि उसका क्या प्रभाव उसके शरीर पर पड़ रहा है, इसको कहते हैं हमको अनुभाव। अनुभावयति, जो अनुभव करा दे मनुष्य को, उसको कहते हैं अनुभाव। तो विभाव भी हो और अनुभाव भी हो, और क्या हो, व्यभिचारी भाव। वी अभि चर धातु, वी माने विशेषण, अभि माने प्रति, और चर माने चरण करना, माने जो उस रस में संचार करते हैं और सहकारी भाव। जैसे मान लीजिए रति का किसी को भाव है सेक्सुअल पैशन का, तो उसमें यदि मिलन का नैराश्य है तो वह एक व्यभिचारी भाव की तरह से काम करता है, जो कि हमको उस भाव को और उद्दीप्त कर देता है।
तो भरत का यह कहना है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का जब संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। भाव की एक विशेषता यह है कि वो कार्य में परिणत होना चाहता है। यदि हम में क्रोध है तो क्या होगा? पहले तो हमारे शरीर में उसकी अभिव्यक्ति होगी, ओंठ फरफराने लग जाएंगे, चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, त्योरियां बद जाएंगी, संभव है मुट्ठी बद जाए, मारने की प्रवृत्ति हो हमारे भीतर, इत्यादि इत्यादि, ये तो सब अनुभव होते हैं। और हम वो अनुभव वो भाव क्रिया में परिणत होना चाहता है। जीवन में जितने भाव हैं वो क्रिया में परिणत होना चाहते हैं। दौड़ करके हम उसे मारना चाहते हैं जिसके ऊपर क्रोध है। यदि हम नहीं मार सकते तो शब्दों से हम उसको मारते हैं, गाली देते हैं। परंतु कला में क्या होता है, जब उस भाव का जो क्रिया पक्ष है वो रुक जाता है और उस भाव का जो केवल स्मरण होता है, उस भाव को हम अपने भीतर लेकर के चुभलाते हैं, चरवणा करते हैं, चबाते हैं उस भाव का, तब रस की निष्पत्ति, माने जो क्रिया पक्ष है बिल्कुल वो रुक जाता है। भाव का जो भाव का सार है, रस किसको कहते हैं, जो सार है वो लेकर के उसको चुभलाते हैं, चरवणा कहते हैं संस्कृत में, उसको चबाते हैं और उस पर चिंतन करते हैं, उसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। तो अब ये हमको देखना है कि क्या वो जो व्यक्तिगत भाव है उसी व्यक्तिगत रूप में यदि हम उसको समझना चाहते हैं तब रस की निष्पत्ति होगी, अन्यथा और किसी प्रकार से रस की निष्पत्ति होगी। व्यक्तिगत रूप में यदि हम देखना चाहते हैं तब रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती, ये एक समझने की बात। कला में और जीवन में यही एक अंतर है। जीवन में तो सब बातें व्यक्तिगत होती, परंतु कला में जब उसको उठा करके चित्रित करता है कलाकार तब उसको सार्वभौम बना देता है। अब जब सार्वभौम बना सकता है तभी सामाजिक में, दृष्टा में या श्रोता में रस की भावना हो। यदि वो व्यक्तिगत रूप में लेता है तब रस की भावना नहीं हो सकता, तब भाव के धरातल पर है। भाव और रस में यही अंतर है कि भाव व्यक्तिगत होता है, भाव काल और देश से सीमित होता है, परंतु रस जो है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो सार्वभौम है और वो देश और काल का अतिक्रमण कर जाता है, उससे परे वो मानव मात्र का। दुष्यंत और शकुंतला, इनको रति का भाव हो रहा था, श्रृंगार रस का अनुभव नहीं हो रहा। अब इसको देख लीजिए, प्रायः हम इसमें भ्रम पैदा कर लेते हैं, समझते हैं कि वो श्रृंगार रस का अनुभव कर रहे थे, वो श्रृंगार रस का अनुभव नहीं कर रहे, वो सेक्सुअल पैशन रति का भाव जो है उसका अनुभव कर रहे थे। इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिया है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो भी ये बतलाता है, केवल यहीं तक बतलाता है कि प्रत्येक जो हमारी इंस्टिंक्ट हैं, जो मूल प्रवृत्ति है मानव में, जितना भी कला है संसार में वो मानव की मूल प्रवृत्ति का चित्रण है और मानव की मूल प्रवृत्ति के साथ, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक न एक इमोशन या भाव लगा हुआ, परंतु वो व्यक्तिगत है। सब कला में वो व्यक्तिगत नहीं रह जाता,
कला में देश काल से उठ करके वह सार्वभौम हो जाता है, तब रस की निष्पत्ति। इसको कहते हैं साधारणीकरण। इसके लिए शब्द है साधारणीकरण, माने जब वो विशेष में जो हो रहा था जब वो साधारण बन जाता है, जब हमको यह अनुभव हम होने लग जाता है हमारे भीतर कि ये दुष्यंत और शकुंतला ही की यह दशा नहीं थी, मानव मात्र की ऐसी दशा हो सकती है। इसी परिस्थिति में मानव मात्र के भाव के भाव में जब हम रंग उठते हैं तब हमारे भीतर रस का संचार होता है, अन्यथा दुर्भाग्यवश ये 2000 वर्ष से जो चिंतन हुआ है, जो ये बातें लिखी गई हैं, वो दुर्भाग्यवश कम से कम हिंदी साहित्य में वो बातें अभी तक नहीं आई। सबसे पहले तो जैसा आपको विदित है हमारे काल में जो पढ़ाई होती थी वो हिंदी अधिक से अधिक 10वें दर्जे तक पढ़ाई जाती थी। सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये सोचा कि हिंदी को भी उसी प्रकार से महाविद्यालय में हमको पढ़ाना चाहिए जैसे हम और विषयों को पढ़ाते हैं। और उस समय जब हिंदी इंटर बीए एमए में पढ़ाई जाने लगी तब यह प्रश्न उठा कि इसके आलोचनात्मक ग्रंथ बनने चाहिए, और दुर्भाग्यवश जो हिंदी के अध्यक्ष थे उन दिनों दो के दोनों संस्कृत नहीं जानते थे। जो परंपरा चली आई है अपने देश में चिंतन की वो नहीं जानते थे, और उन्होंने अपने रसमीमांसा में यही लिखा है कि जब हम उसको देखते हैं तो हमको अपनी प्रेयसी का याद आता है, इसलिए हम में रस की उत्पत्ति आती है। यदि प्रेयसी का आपको याद आ गया तो आप रस की अवस्था में नहीं हैं, आप केवल भाव की अवस्था हैं। यह हमको समझ लेना चाहिए। जो रस की भावना के साथ जो अत्याचार हुआ है हिंदी साहित्य में वो मैं समझता हूँ किसी भी साहित्य में नहीं। ये तो केवल प्रसंगवश मैंने कह दिया। अब आप देखें कि जो अभारतीय चिंतक हैं, पाश्चात्य चिंतक हैं, वो भी क्या कहते हैं। जिसको हमने साधारणीकरण, जब तक उस भाव का साधारणीकरण नहीं हो जाता है, जब तक एक विश्वव्यापी भाव से हम उस भाव को नहीं देखते हैं तब तक रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती है, तब तक हम केवल भाव के धरातल पर बैठे या खड़े हुए। जो कांट एक जर्मन दार्शनिक हो गया है उसने कहा है यूनिवर्सलाइजेशन इज द की नोट ऑफ एस्थेटिक रैप्चर। रस शब्द अपने यहाँ जो है वह एक विचित्र शब्द है। इसका समकक्षी शब्द मैं समझता हूँ संसार की किसी भाषा में भी नहीं है। उन लोगों ने एस्थेटिक रैप्चर कहा है, निकट आ जाता है परंतु जो रस की बात है वो नहीं होता। क्यों? हमारे एक सोचने की बात है कि कला का तो दो ही माध्यम है, आँख और कान। नाटक में आँख और कान दोनों का प्रयोग होता है, दृश्य और श्रव्य दोनों बातें होती हैं। चित्र में हम आँख से के माध्यम से उसका आनंद लेते हैं, संगीत में हम कान के माध्यम से लेते हैं। आँख और कान दोनों के लिए रस शब्द का प्रयोग हम भाषा में नहीं होता। रस शब्द का प्रयोग होता है जिह्वा के लिए, आस्वाद जिह्वा लेती है। ये क्या बात है? ये सोचने की बात है कि रस शब्द का हमने कला में प्रयोग किया और आँख और कान जिनके माध्यम से हम कला का ग्रहण करते हैं उनका उनसे संबद्ध हमने कोई शब्द नहीं रखा। यही कारण है कि सार हम ग्रहण करते हैं, रस में सार ग्रहण करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम अपने मन द्वारा चर्वणा करते हैं, चबाते हैं उस भाव को।
जब भाव क्रिया में नहीं जाने देते, हम भाव के ऊपर चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, चरवड़ा करते हैं, उसको चबाते हैं, चुभलाते हैं और चुभला करके अपने भीतर समीकरण करते हैं, केवल जिह्वा ही के द्वारा एक हम ऐसी वस्तु है, यदि हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो चरवड़ा करते उसको भीतर ले जाते हैं, समीकरण करते हैं। इसीलिए रस शब्द का प्रयोग हमारे साहित्य में हुआ है, कला समीकरण हो जाता है हमारा, वो एक अंग बन जाता है रस, और हमको जीवन भर के लिए वो प्रभावित करता है, इसलिए रस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो रस के लिए आवश्यक है भाव का साधारणीकरण होना। दूसरे एक डुलो करके बहुत भारी चिंतक हुए हैं, उन्होंने लिखा है द सेंस ऑफ द एस्थेटिक एटीट्यूड इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस और एक्ट ऑफ डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, उसको कहते हैं वो लोग साइकिक डिस्टेंस, मानसिक दूरीकरण। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है बिकॉज ऑफ इट्स ओन कैप्टिवेटिंग क्वालिटी द ऑब्जेक्ट इज पुट आउट ऑफ गियर विथ और डिस्टेंस्ड फ्रॉम आवर प्रैक्टिकल नीड्स एंड एंड्स। हम यदि संगीत से रस लेते हैं अथवा साहित्य से रस लेते हैं तो हमारे क्रियात्मक जीवन में उसका कोई लाभ नहीं। क्रियात्मक जीवन की सीमा से परे उठा करके जो एक विश्व भौम चेतना हमारे भीतर जो जागृत करता है वो है रस। इसको वो लोग साइकिक डिस्टेंस या यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं, तभी रस की निष्पत्ति होगी, अन्यथा रस की निष्पत्ति नहीं होगी। तो जब हम शकुंतल नाटक देखते हैं तो दुष्यंतत्व शकुंतलात्व विगलित हो करके नर नारी सारे जीवन में नर नारी के भीतर जो होता है उस स्थिति पर जब हम हमारी चेतना आके खड़ी होती है तब रस की निष्पत्ति होती है। बुलो ने एक और बहुत सुंदर ढंग से इसको स्पष्ट किया है, वो भी मैं आपको सुना दूं। द जेलस हस्बैंड हु एट ए परफॉर्मेंस ऑफ ऑथेलो कीप्स थिंकिंग ऑफ हिज ओन वाइफ्स ऑड बिहेवियर is attending not really to the play as such, but to its relation to his own personal life. His attitude is now not duly distanced and is therefore not aesthetic. The aesthetic way of looking is antipathetic to the personal. जहाँ व्यक्तिगत कोई बात नहीं रह जाएगी वहीं रस का संचार हो सकता है, अन्यथा रस का संचार। और उसका आधार है तात्विक। तात्विक आधार यह है कि उपनिषदों में ब्रह्म को कहा है रस, रसो वही सत, वो ब्रह्म जो है वह रस है, सच्चिदानंद है, एक मौलिक आनंद की सत्ता। ब्रह्म क्या है? मौलिक आनंद की सत्ता। उसमें सुख और दुख जिसको हम कहते हैं ये द्वंद्व नहीं, हर्ष और विषाद का द्वंद्व नहीं, राग और द्वेष का द्वंद्व नहीं, एक विश्वव्यापी मौलिक आनंद की सत्ता। और वही आनंद में जब हमारा चित्त क्षण भर के लिए चला जाता है तभी हमको उसमें जा करके ठहरता है, विश्रांति होती है उस आनंद में। इसी को ब्रह्मानंद सहोदर इसी कारण से कहा, उस आनंद में हमारी चित्त की क्षण भर के लिए विश्रांति हो जाती है जब हम सब व्यक्तिगत राग द्वेष को भूल जाते हैं, अधम स्व को भूल जाते हैं, अपना देश कालगत जो सीमाएं हैं इसको भूल जाते हैं। जब हमारी चेतना इन देश कालगत व्यक्तिगत सीमाओं से उठ करके ऊपर आ जाती है
तब एक क्षण भर के लिए हम उस चेतना का अनुभव करते हैं जो केवल आनंदमय, और उसी आनंद से सारी कला की सृष्टि होती है, और उसी आनंद से रस की अनुभूति। उपनिषदों में कहा है, आनंदाध्येव खल्लिवानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्। सारे प्राणी संसार भर के, सारी सृष्टि ब्रह्म के आनंद की अभिव्यक्ति। आनंद की विशेषता क्या है? जब हम किसी को अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं तब हम लिखते हैं, परंतु जब हमको कोई ऐसा प्रयोजन नहीं होता है, केवल आनंद की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तब हम चित्र बनाते हैं, लिखते नहीं। जब हमको कहीं पहुंचना होता है तब हम चलते हैं, परंतु जब ऐसा कोई स्वार्थ हमारा नहीं होता है, केवल आनंद की अभिव्यक्ति होती है, तब हम चलते नहीं, तब हम नाचते हैं। जब हमको कुछ अपना वक्तव्य किसी को के पास पहुंचाना है तब हम बोलते हैं, परंतु जब ऐसा नहीं है, केवल आनंद की अभिव्यक्ति है, तो हम गा उठते हैं। आनंद की विशेषता यही है, वो अपने भीतर रह नहीं सकती, अभिव्यक्त। प्रायः प्रश्न लोग करते हैं, क्या जरूरत थी तो आम दुनिया भर की सृष्टि ब्रह्म को बनाने की? नाना प्रकार के नक्षत्र आकाश में देखते हैं, ना मालूम कितने मंडल हैं भूमंडल, ना मालूम कितनी वृक्ष लताएं नद नदी गिरी गुहा तमाम सभी, क्या जरूरत थी, क्या सुविधा था उस पगले को? परंतु वो बेचारा करता क्या, उसकी आनंद की अभिव्यक्ति है ये सब, उसका आनंद अपने भीतर रह ही नहीं सकता। क्षेमराज ने लिखा, आनंदोच्छलिता शक्ति सृजत्यात्मानम आत्मना, आनंद की उछाल ही सारी सृष्टि। तो आनंद की विशेषता यही है, अभिव्यक्त चाहिए, सृष्टि सर्जन। सर्जन कहते हैं टू लेट लूज, टू लेट गो, अपने भीतर रह ही नहीं सकता, बाहर प्रकट होता है। आनंद से ही सृष्टि होती है, और उसी आनंद की अनुभूति रस। तो एक क्षण के लिए ये जो मैंने बताया रस, वो संवित विश्राम, वो जो ब्रह्म रूपी संवित है उसमें आकर के ठहर, हम अपने अधम स्व से उठ करके एक ऊंची धरातल को पहुंच जाता है, हमें पहुंच जाती है हमारी चेतना, और वह तब हम रस की अनुभूति करते हैं। और इसलिए ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, ये सहोदर क्यों कहा इसको हम आगे देखेंगे। ब्रह्मानंद के पास, बिल्कुल ब्रह्मानंद तो नहीं, बिल्कुल पास में आ जाता है, और वह अलौकिक होता है। अलौकिक क्यों होता है इसको हम कल देखेंगे, आज साधारण एक हम रूप से देख लें। अलौकिक का अर्थ ये है कि वो साधारण लोक में नहीं दिखाई देता। साधारण लोक में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, साधारण लोक में यदि शोक होता है किसी को, तो शोक से केवल दुख हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता किसी को शोक से। परंतु कला में जब शोक करुण रस में परिणत हो जाता है, तब हम रोते भी यदि हैं तो आनंद का श्रोत होता है, हम आनंद का। साधारण जीवन में महाराणा प्रताप के जीवन में क्या हुआ, बेचारे संघर्ष करते रहे, अकबर से हार करके जंगल में चले गए, उनकी कन्या जो थी जंगल में कुछ नहीं मिला, घास की रोटी बनाई, वो रोटी भी बिल्ली उठा ली, और वो बेचारी लिपट करके अपने पिता से कहती है, हाँ हम बहुत भूखे। उनको क्या हो रहा था,
रणकता शोक होगा, परंतु जब नाटक में हम उसको देखते हैं तब वो केवल राणा प्रताप, राणा प्रताप तो एक प्रतीक मात्र हो जाते हैं। सारे विश्व में किसी को भी ऐसा होगा तो उसकी क्या दशा होगी। इस पर जब हमारी चेतना उठ जाती है तब करुण रस हो जाता है और हम अश्रु गिराते हैं, वो आनंद के अश्रु, इसलिए वो अलौकिक है। अलौकिक के कई कारण हैं, उसको मैं कल लूंगा। तो हमने यहां तक देखा कि भाव क्या चीज है, जीवन में हमारा भाव से दूसरा अर्थ होता है, कला में भाव का दूसरा अर्थ। जीवन में साधारणतः जिसको हम रस कहते हैं वह केवल आस्वाद के लिए कहते हैं, कला में जो रस होता है उसका दूसरा भाव होता है वह आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद जो है वो व्यक्तिगत नहीं होता है। उस आनंद की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह साधारणीकरण हो जाए। अब हम ये देखेंगे कि मानव में कितने प्रकार की इंस्टिंक्ट्स हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं जो प्रत्येक मानव में, और उनके क्या भाव हैं, और फिर वो भाव किस प्रकार से रस में परिणत होता है। भाव और रस एक ही चीज वस्तु नहीं है, भाव की एक रस अवस्था जो है भाव की एक विशेष परिणति है, एक रूपांतरण है। भाव और रस दोनों एक ही वस्तु नहीं। तो हम जीवन में देखते हैं प्रायः नव रसों की कल्पना की गई है। जीवन में हम देखते हैं कि आत्मरक्षा प्रत्येक व्यक्ति में होती है, इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। यदि कहीं हम देखते हैं कोई शेर आ गया जिससे हमको भय होता है, तो क्यों भय होता है? क्योंकि हम सर्प आ गया, क्यों भय होता है? हम उसको अपना बचाना चाहते हैं अपने, ये भय का इमोशन, भय का भाव होता है। हमारे यहाँ भी कहा है स्थाई भाव एक भय है मनुष्य के भीतर, और उस स्थाई भाव का जब रस में उसकी परिणति होती है तब भयानक रस हो जाता है। युवोत्सा पशुओं में भी देखते हैं, मनुष्य में भी देखते हैं कि एक प्रवृत्ति होती है हमारे भीतर जो अपने शत्रु को के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, और उस समय हमारे भीतर भाव क्या होता है? क्रोध। यहाँ भी हमारे साहित्य में भी स्थाई भाव जो है वो क्रोध है, और रस में जब उसकी परिणति होती है तब वो रौद्र रस कहता है। ऐसे ही जीवन में एक रिपल्शन का भी भाव होता है मूल प्रवृत्ति, और उसमें जो भाव है वो घृणा है, उसको कहा है हमारे शास्त्रों ने जुगुप्सा का भाव, और उससे विभत्स रस का रूपांतरण होता है। ऐसे ही शरणागति होती है, और उसमें स्थायी भाव जो होता है शोक होता है, और उसका रूपांतरण करुण होता है। काम प्रवृत्ति सबके भीतर होती है मनुष्य में, उसको सेक्स प्लेजर कहते हैं अथवा काम कहते हैं, हमारे यहाँ उसको स्थायी भाव में रति कहते हैं, और उसकी परिणति श्रृंगार रस में होती है। कौतूहल मनुष्य में जानने की प्रवृत्ति होती है, उसमें उसके साथ जो भाव है वो आश्चर्य है, उसको हमारे यहाँ विस्मय कहते हैं, और जब उसका रूपांतरण होता है तब वह अद्भुत रस कहलाता है।
आमोद, एक सेंस ऑफ फन भी मनुष्य में प्रवृत्ति होती है, उसका इमोशन, उसका भाव जो होता है हास, और वो स्थाई भाव हमारे में उसको हास कहते हैं, जब रस में उसका रूपांतरण होता है तो वह हास्य कहलाता है। आत्महीनता, सेल्फ अबेसमेंट, उसका भाव है दैन्य, और हमारे यहाँ उसको निर्वेद कहा है, और उसमें शांत रस की उत्पत्ति होती है। आत्माभिमान, सेल्फ एग्जाल्टेशन, उसमें उत्साह एक भाव होता है और वो वीर रस में परिणत होता है। अब ये देखना चाहिए कि क्या कारण है कि कलाही में इसका वर्णन है और इसकी क्या विशेषता है कला की, इसको इसके ऊपर भाव प्रकाश ने, इसके ऊपर काव्य प्रकाश ने बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयीं अनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितिम आदधति भारती कवेर जयति। जो ब्रह्मा की सृष्टि है वो नियतिकृत नियम रहिता, ब्रह्मा की सृष्टि जो है वो नियति से बंधी हुई है। उष्णता से ताप होगा, जल से ठंडक होगी, तमाम सबके लॉज नियति पर बंधी हुई है। परंतु ब्रह्मा की नियति से संहिता है, सृष्टि नियतिकृत नियम संहिता है, नियम के साथ वह बंधी हुई है। परंतु यहां हम क्या पाते हैं कला में, नियतिकृत नियम रहिता। ये कवि की कल्पना किसी भी नियम को नहीं मानती, नाना प्रकार के नियम बनाती रहती है स्वयं अपने से। जैसे उदाहरण के लिए दीजिए तो नियति में जीवन में जो चांदनी से लोगों को आनंद ही होगा, लाद ही होगा, परंतु कभी जब चांदनी का व्यभिचारी भाव का वर्णन श्रृंगार रस में कह रहा है, तब जिसको वियोग है उसको चांदनी से क्या आह्लाद होता है, वियोग से उसकी लपट होती चांदनी से। मंगल ध्वनि से सबको आनंद होता है, परंतु विरहिणी को मंगल ध्वनि जो है सताती है। कालिदास ने यक्षिणी का जो वर्णन किया है तो कहा है कि वो वीणा जब बजाती थी बेचारी तो मुहुर मुहुर मूर्छना विस्मरण थी, मूर्छना ही भूल जाती थी वियोग के कारण। और क्या है, लाद लादैक मयीम, जो कला की रचना है केवल आह्लाद है। ब्रह्मा की सृष्टि में तो सुख और दुख दोनों है, परंतु वहां दुख नहीं है, वहां केवल आह्लाद है। और क्या है, नवरस रुचिराम, ब्रह्मा की सृष्टि में तो केवल छह रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, केवल छह रस है, परंतु यहां तो नौ रस है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक नई सृष्टि है कला जो है, केवल जो बाहर सृष्टि हम देखते हैं उसका अनुकरण मात्र नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। कला सृष्टा है, एक नई सृष्टि वो बनाता रहता है, चाहे वो संगीत हो और चाहे वो चित्र हो और चाहे वो काव्य हो। तो आज जो हमने देखा है आज के भाषण में, वो संक्षेप में ये देखा है
कि साधारण जीवन में जिसको हम भाव कहते हैं और कला में जिसको भाव कहते हैं, उन दोनों में अंतर है। साधारण जीवन में जो हमको बीत रहा है वो भाव है, और कला में उसके वर्णन से जो भावित कर रहा है कलाकार वो भाव। साधारण जीवन में रस नहीं होता, साधारण जीवन में केवल भाव होता है। जब उस रस का रूपांतरण हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है, एक साइकिक डिस्टेंस हो जाता है, देश काल की सीमा से जब वो परे उठा करके चेतना पहुंच जाती है, तब रस की निष्पत्ति होती है। और साधारण जीवन में सब में तन्मयता नहीं होती, किसी किसी में तन्मयता होती है, परंतु रस बिना तन्मयता के नहीं हो सकती। साधारण जीवन में सुख दुख दोनों होता है, रस में केवल सुख होता है। इन सब बातों को आज हमने रस में देखा है। कल के भाषण में हम ये क्यों अलौकिक है और राग क्या है इस पर आएंगे। इसके ऊपर बहुत विचार हुआ है, आगे उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा भाषण सीमित है। हम राग के ऊपर आना चाहते हैं, संगीत में उसकी कैसी अभिव्यक्ति होती है विशेष प्रकार से ये हमको दिखलाना है। लेकिन जब तक हम रस को समझ न लें, तब तक हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे। अतः आज केवल रस की निष्पत्ति कैसे होती है आज के भाषण में नहीं है। कल के भाषण में रस में अलौकिकता क्या होती है और उस रस की अलौकिकता से राग का क्या संबंध है, इसको कल हम देखेंगे। में पहली बात जो होती है वो क्या होती है, सत्वोद्रेकात्, मानव के शरीर में और मानव के चित्त में सत्व रजस और तमस तीन गुण विद्यमान। रजस से क्रियाशीलता मानव में होती है, तमस से आवरण और आलस्य होता है, और सत्व से प्रकाश और सुख होता है। तो रस की अनुभूति में क्या होता है, सत्वोद्रेका। रजस और तमस मानव चित्र में ये जो दो वृत्तियां हैं रजस और तमस, वो समय बिल्कुल दब जाती है। सत्व का उभार हो जाता है, सत्व का उद्रेक हो जाता है। एक पहली बात तो यह होती है, सत्वोद्रेका स्वप्रकाशानंद चिन्मय, अखंड स्वप्रकाश, एक अखंडता का भाव उसमें आता है। अखंडता का भाव का तात्पर्य यह है कि यद्यपि उसकी अनुभूति में कई अंशों का मिश्रण होता है, जैसे मान लीजिए संगीत में रस की अनुभूति हम करना चाहते हैं तो स्वर भी है, लय भी है, तान भी है, इत्यादि बहुत सी बातें हैं। ऐसे जब हम कविता में रस की अनुभूति करना चाहते हैं तो वहाँ शब्द है, अर्थ है, अलंकार हैं, इत्यादि बहुत से पदार्थ हैं। उन सब का मिल करके क्या वह एक अर्थमेटिकल सम है, माने उनके मिश्रण का एक योग फल है क्या वो रस? नहीं, वो कहते हैं योग फल नहीं है, वो अखंड है। अखंड से उनका तात्पर्य क्या है कि अभिनव गुप्त ने पानक का उदाहरण दिया और लावण्य का उदाहरण, दो उदाहरण दिया। पानक पीने की चीज़ है, उसमें खटाई भी है, उसमें थोड़ी सी मिठास भी है, थोड़ी इलायची भी है, थोड़ी काली मिर्च भी है, परंतु जो उसका हमको आस्वाद होता है, आस्वाद की अनुभूति होती है, वो केवल इनका अर्थमेटिकल सम नहीं है। इस सब मिला करके एक विचित्र अनुभूति होती है जो कि केवल इनकी गणना से हम नहीं सिद्ध कर सकते, उसको कहते हैं अखंड।
जर्मन भाषा में उसके लिए शब्द है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट उसको कहते हैं, उस अनुभूत को कहते हैं जो कि जो भिन्न भिन्न तत्व हैं जिससे वो अनुभूति बनती है, उस तत्व से परे एक अलौकिक वस्तु जो होती है उसको बोलते हैं गेस्टाल्ट। और अपने यहाँ कहा है वह अखंड है। तो नाटक में जैसा हम देखते हैं वहाँ दुष्यंत है, शकुंतला है, भाव है, विभाव है, इत्यादि नाना प्रकार के उद्यान है, नदी है, सब कुछ है। इस सब का मिलजुल करके एक योग फल मात्र नहीं होता है, इस सब का मिलजुल करके योग से एक अधिक जो हमारे चित्त में अनुभूति होती है उसको कहते हैं अखंड। तो पहली बात जो होती है वो सत्व का उद्रेक हो जाता है, रजस और तमस हमारे चित्त में बिल्कुल दब जाते हैं, सत्व का उभार हो जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, अखंड स्वप्रकाशाद, स्वयं प्रकाश होता है, रस की जो अनुभूति होती है वो विषयांतर से नहीं होती है, वो स्वयं प्रकाश है और अखंड है। वेद्यांतर स्पर्श शून्यों, और उस क्षण तक जितने और संसार में पदार्थ हैं उनको सब हम भूल जाते, यहाँ तक कि अपने अधम स्व को भूल जाते। जो हमारे भीतर उत्तम स्व है, जो हमारे भीतर सात्विक अंश है, उसका उभार हो जाता है और अपने ही जो निम्नतर स्तर के की जो भावनाएं हैं वो सब दब जाती हैं। और अपने से बाहर जितने वेद्यांतर हैं, वेद्य जितने ज्ञेय हैं, वो सब हम भूल जाते हैं। क्षण भर के लिए हम उसी में तल्लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। तो तीसरी बात ये हो जाती है, पहली बात तो यह है कि सत्व का उद्रेक होता है, दूसरी बात है एक अखंड का अनुभव होता है। जैसा पात पानक का उदाहरण दिया, अपने भूत में एक दूसरा उदाहरण दिया है, वो लावण्य का उदाहरण है। सौंदर्य और लावण्य में अभिनवगुप्त ने यही भेद किया है। सौंदर्य तो इंद्रियों के द्वारा, आँख के द्वारा, स्पर्श के द्वारा जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, माने उसकी आकृति है, उसका रूप है, उसका रंग है, ये सब इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं, ये केवल सौंदर्य है। परंतु लावण्य इससे अधिक है। लावण्य जो है वो इस सब के होते हुए भी एक विचित्र अलौकिक अनुभूति जो उसके ऊपर होती है वो लावण्य है। और संस्कृत का जो लावण्य शब्द है उसका प्रायः विद्वानों का ने ये लिखा है कि लवणस्य भावः इति लावण्यम्, नमकीन पना। परंतु आनंद कुमार स्वामी का कहना है कि ये भ्रांत धारणा है, लावण्य का ये भाव नहीं है। लावण्य उनका कहना है कि लावण्य शब्द जो संस्कृत में आया है वह प्राकृत का जो लोना शब्द आया है उसका संस्कृत रूप है लावण्य। लोना मक्खन का जो ढेर होता है उसको बोलते हैं लोना। वो लोना जो होता है स्निग्ध होता है, स्मूथ होता है, चिकनाहट होती है उसमें। वो लोना जो होता है स्निग्ध होता है और मधुर होता है। स्निग्ध और मधुर का भाव उस सौंदर्य के अतिरिक्त जो हो जाता है वह है लावण्य, और वो है रस की अनुभूति। तो प्रथम बात जो हमने लोगों ने देखी, सत्व का उद्रेक हो जाना और अखंडता उसमें होती है, और अखंडता के अतिरिक्त वेद्यांतर स्पर्श शून्य, हम इतने तल्लीन हो जाते हैं। यदि ये सब भाव हमारे भीतर नहीं है तो हम रसिक नहीं हो सकते। सबके भाग्य में रसिक होना संभव नहीं। रसिक होने के लिए चित्त की एक वृत्ति आवश्यक है। तो वेद्यांतर स्पर्श शून्यों, और जितने वेद्य हैं और जितने ज्ञेय हैं और जितने ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं उस सबको हम उस क्षण के लिए भूल जाते हैं एकदम से। ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद के पास आ जाता है। बिल्कुल ब्रह्मानंद तो नहीं है,
ब्रह्मानंद के पास आ जाता है। पास क्यों कहा? ब्रह्मानंद में जो होता है वह अप्राकृत सत्व होता है, चित्त में प्राकृत सत्व होता है। माने चित्त में जो सत्व है वह प्रकृति की देन है, और ब्रह्मानंद में जो सत्व है वह प्रकृति की देन नहीं है, वह सच्चिदानंद की स्वयं सच्चिदानंद का स्वयं स्वभाव है। दूसरी बात यह है, ब्रह्मानंद नित्य होता है और रस की अनुभूति थोड़े समय के लिए होती है। जब वो समाप्त हो गया फिर हम अपना लौट आते हैं, हमारा चित्त जैसा साधारण रूप में रहता है उसी रूप में लौट आता है। वह एक प्रकार की का सच पूछिए रस की अनुभूति एक प्रकार का योग है। और ब्रह्मानंद में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी नहीं होती। चित्त में ज्ञाता प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इसकी तीनों की त्रिपुटी होती है। जानने वाला जिस साधन से वो जानता है और जिस चीज को वो जानता है तीनों विद्यमान रहते हैं, परंतु ब्रह्मानंद में नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मानंद सहोदर, लेकिन आनंद जो वास्तविक आनंद है, क्योंकि जीवन में वास्तविक आनंद नहीं, जीवन में सुख और दुख दोनों, परंतु रस की अनुभूति में केवल आनंद है, दुख का वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए आनंद तो होता है और वह ब्रह्मानंद के पास आ जाता है, क्योंकि चित्त फिसल करके उस समय थोड़ी देर के लिए विश्रांत हो जाता है वह उस आनंद में जो ब्रह्म का स्वभाव है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण, और उसका सारा रस का प्राण जो है चमत्कार। चमत्कार शब्द संस्कृत का एक विचित्र शब्द है, मैं समझता हूँ अंग्रेजी में अगर हम वो कहें एन आहा एक्सपीरियंस, आहा बस ये चमत्कार, माने एक विस्मय एक अद्भुत, जैसा लगता है कि हमारे दैनिक जीवन में ये कभी भी हमने इसका अनुभव नहीं किया है। परंतु वो चमत्कार कैसा है? लोकोत्तर अलौकिक है। क्यों अलौकिक है? इसके आठ कारण। पहला कारण यह है कि लोक की जितनी वस्तुएं होती हैं वो या तो कार्य होती हैं या ज्ञाप्य होती हैं। जैसे कुम्हार ने एक घड़ा बनाया है तो घड़ा उसका कार्य है, मिट्टी का उपादान लिया और घड़ा बनाया, घड़ा कार्य है। प्रकृति ने एक फूल खिलाया, प्रकृति का वह कार्य है। एक तो कार्य होता है, दूसरा ज्ञाप्य होता है कि पहले से कोई वस्तु विद्यमान है, जैसे घड़ा ही विद्यमान है, परंतु हम अंधेरे में हमको दिखलाई नहीं दे रहा है। एक दीपक हम ले आए और दीपक के द्वारा हमने उसको देख लिया, विद्यमान तो है, परंतु रस की अनुभूति इन दोनों से भिन्न है। जीवन में कार्य और ज्ञाप्य इन्हीं दो का अनुभव हमको होता है, परंतु रस की अनुभूति न तो कार्य है न ज्ञाप्य है। क्यों? क्योंकि रस की अनुभूति जो है कार्य तो उसका घड़ा पहले से बना बनाया मौजूद है, रस पहले से बना बनाया नहीं। कला जब सामने, जब तक गान चल रहा है, जब तक हम चित्र देख रहे हैं, जब तक हम काव्य का पठन कर रहे हैं, आस्वाद कर रहे हैं, केवल उस क्षण तक उस रस की अनुभूति रहती है, बाद में चित्त फिर फिसल आता है, खिसक आता है अपने स्वभाव में। इसलिए न तो वो कार्य है न ज्ञाप्य है, इसलिए अलौकिक। हम जीवन में जो कुछ जानते हैं वो मनोविज्ञान हमको ये बतलाता है और न्याय शास्त्र भी बतलाता है, दो ही प्रकार से जानते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प वो होता है जैसे हम लोग घड़ी देख रहे हैं, हम ये जानते हैं घड़ी एक है, इसमें सुई भी है, इसमें डायल भी है, ये इसमें गति भी है,
इत्यादि इत्यादि जब हम जानते हैं तो यह सर्वविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है, सर्वविकल्प ज्ञान कहलाता है। अर्थात जब हम उसके अंशों को जानते हैं तो सर्वविकल्प होता है। निर्विकल्प जैसे एक बालक है, अब वो सुई अलग से नहीं जानता, उसकी गति अलग से नहीं जानता, घड़ी देखता है, उस दृश्य को का अनुभव केवल है उसको, तो ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। लेकिन रस में जो अनुभूति होती है न तो सर्वविकल्प है न निर्विकल्प, वह संवेदन है, हृदय का एक संवेदन है, आंतरिक आभ्यंतरिक एक अनुभूति है, इसलिए भी वह अलौकिक है। अब एक कारण और है जिस कारण से हम रस को अलौकिक कहते हैं, माने ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस है वो। जीवन जो है, या तो जीवन साधारण जीवन में वो सब क्रियाशील है, या तो प्रवृत्ति होती है या निवृत्ति होती है, या तो किसी के प्रति हम जाते हैं कुछ करते हैं अथवा उससे हम अलग होते हैं, यही जीवन का खेल चलता रहता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये जीवन का सारा खेल है। ये सब व्यवहार व्यक्ति से संबंध रखता है, परंतु कला में तो व्यक्ति की निरपेक्षता हो जाती है, साइकिक डिस्टेंस जिसको कहा है उन लोगों ने, व्यक्ति एक क्षण के लिए हम व्यक्तित्व को खो बैठते, शकुंतलात्व दुष्यंतत्व दोनों हम खो बैठते हैं, वो केवल प्रतीक हैं मानव के। तो इसलिए भी अलौकिक है, क्योंकि प्रवृत्ति न महाता है न निवृत्ति है, स्व संवेदन है, एक आंतरिक अनुभूति है। और भी एक कारण है जिसके कारण वो अलौकिक है, वो क्या है, जीवन में जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करते हैं, या तो प्रत्यक्ष के द्वारा या अनुमान के द्वारा या शब्द के द्वारा, तीन प्रमाण से हम अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष हम आँखों से देख रहे हैं, ये घोड़ा है ये कुत्ता है, आँखों से देख रहे हैं ये मोटर है, प्रत्यक्ष है। ये यहाँ आग है, ये प्रत्यक्ष है। अब जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है उसको हम अनुमान से जानते हैं, हम जा रहे हैं और पर्वत पर हमने धुआं देखा, आग तो हमने देखी नहीं लेकिन अनुमान कर लिया कि आग वहाँ होगी अवश्य, तभी तो धुआं है, धुआं कहाँ से आया, तो अनुमान से जानते हैं। तीसरा, हमने उसका अनुभव नहीं किया है, जिस व्यक्ति के ऊपर हमको विश्वास है उसको आप्त वचन कहते हैं, रिलायबल सोर्स ने हमको इन्फॉर्मेशन दी कि आज ये घटना हो गई, उसके द्वारा हम जाने। परंतु कला में जहाँ रस की अनुभूति होती है, न तो वहाँ प्रत्यक्ष है न वहाँ अनुमान है और न वहाँ शब्द वचन है किसी का, इन्फॉर्मेशन है किसी का, और न वहाँ स्मृति, इसलिए भी वो अलौकिक है। इन किसी भी शब्दों में हम उसका अनुभव नहीं करते, स्व संवेदन। और भी कारण है अलौकिक कहने का, जैसे हम कहते हैं व्यक्ति और सामान्य, स्पीसीज एंड इंडिविजुअल, या जीनस एंड स्पीसीज। साधारण रूप से जो एनिमल है ये जीनस है, और उस एनिमल का स्पीसीज जो है काऊ है, या गोत्र जो है काऊनेस, ये जीनस है, एक सामान्य है, और एक पर्टिकुलर गौ, एक विशेष गौ, वो विशेष है। तो सामान्य और विशेष जो जीवन में होता है वो प्रकटीकरण होता है, परंतु यहाँ प्रकटीकरण नहीं है, यहाँ भी सामान्य है, क्योंकि वह विशेष तो है नहीं, सार्वभौमिकता है उसमें, साधारणीकरण मैं कल कह चुका हूँ,
कि जब तक साधारणीकरण नहीं होता है तब तक रस की अनुभूति नहीं होती, परंतु उसका प्रकटीकरण नहीं है उस सामान्य का, उसकी प्रतीति मात्र है, इसलिए भी अलौकिक। और भी क्या है कि लोक में वाचक और वाच्य, शब्द और अर्थ दोनों अलग हैं। यदि हम कहते हैं कि यह हाथी है, तो हाथी शब्द और हाथी पशु दोनों अलग हैं। हाथी शब्द जो है वाचक है, हाथी पशु जो है उसका वाच्य। परंतु संगीत में यदि हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो स्वर से अलग वह वस्तु नहीं, वो उसी में उसका तादात्म्य है, जो कुछ भी उसका तादात्म्य है। कविता में व्यंग्य है, वाच्य नहीं है, व्यंजना है, इसको आगे हम देखेंगे। तो वहाँ भी जो अनुभूति होती है वो वाचक वाच्य द्वारा अनुभूत नहीं होती है, स्वसंवेदन होता है। एक फ्रेंच समालोचक है, उसका नाम है आंद्र मालरो। उसने कहा है, ले ग्रांड आर्टिस्ट ने सो पा ले ट्रांसक्रिप्टर्स द मॉन इल आंसो ले रिबो। इसका अर्थ यह है कि जो कलाकार है वो साधारण जीवन का ट्रांसक्रिप्टर नहीं है, उसका एक अनुकरण नहीं करता है, वो एक नई सृष्टि करता है। तो चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो चित्र हो, एक नई सृष्टि, इससे ऊपर उठी हुई एक नई सृष्टि, और इसीलिए एक नया अनुभव हम वहाँ देखते हैं। तो आज हमने यहाँ तक देखा कि अभी काव्य पक्ष को लेकर के, नाटक पक्ष को लेकर के हमने इतनी बातें देखी कि व्यक्ति निरपेक्षता आवश्यक है, एक साधारणीकरण रस के की अनुभूति के लिए आवश्यक है, और वह अनुभूति अलौकिक है। अब हम संगीत की ओर चलते हैं। संगीत एक पारिभाषिक शब्द बन गया है, वास्तविक अर्थ तो सम्यक गीतम इति संगीतम, जो अच्छी तरह से सम माने अच्छी तरह से, गीत माने जो गाया जाए, परंतु उसका अतिदेश हो गया है, वह पारिभाषिक शब्द हो गया है, माने गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गीत वाद्य और नृत्य तीनों का समावेश संगीत में हो जाता है। इसको समझने के लिए हमको तीन बातें समझनी होंगी, स्वर, लय और राग। नृत्य पक्ष को मैं नहीं लेता हूँ, नृत्य पक्ष के विषय में विशेष मैं जानता भी नहीं, केवल स्वर, लय और राग जो संगीत का पक्ष है उसी को लूँगा। पहले तो हमको स्वर समझना है कि स्वर क्या चीज़ है। स्व और र दो अक्षरों से स्वर शब्द बना है। स्व का अर्थ है स्वयं, र का अर्थ है राजते, स्वयं राजते इति स्वरः। स्वर शब्द का दो अर्थ होता है हमारी भाषा में, वॉवेल और म्यूजिकल नोट। तो चाहे आप वॉवेल लें या चाहे म्यूजिकल नोट लें, दोनों में यह लागू होता है स्वयं राजते। क जो व्यंजन है वह अ के बिना हम उच्चारण नहीं कर सकते, कि ई के बिना उच्चारण नहीं कर सकते, कु उ के बिना उच्चारण नहीं कर, परंतु अ ई उ ये जो स्वर हैं, ये जो वॉवेल्स हैं, इनको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। स्वयं राजत। और संगीत में भी जो स्वर हैं
वो स्वयं राजा, किसी दूसरे की सहायता से षड्ज और ऋषभ और गांधार का उच्चारण हम नहीं कर सकते, वो स्वयं विराजमान है वहां पर। और संगीत रत्नाकर ने तो एक और कदम आगे लिया है, उन्होंने कहा स्वतः रंजयतीति स्वरः, जो आपसे आप रंजन करे वह है स्वर। ये तो हुआ स्वर, अब लय क्या है इसको हम देख लें, क्योंकि स्वर और लय इन्हीं से सारा संगीत बनता है। लय जो है वो संस्कृत की ली धातु से है, जिसका अर्थ होता है लीन हो जाना। लीन हो जाने का क्या तात्पर्य है? गति और विराम ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। विराम को हम गति नहीं कहते, गति को हम विराम नहीं कहते, माने मूवमेंट और पॉज ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। परंतु लय वह है जहां ये दोनों परस्पर विरोधी पक्ष एक साथ होते हैं। केवल गति से लय नहीं बन सकते, केवल पॉज से विराम से लय नहीं बन सकते। जब गति होती है और बीच बीच में पॉज बराबर के पॉजेस होते जाते हैं तो हाँ ये गति हो रही है और बीच बीच में पॉज हो रहा है, इस प्रकार से लय विचित्र दशा है लय की। माने क्या कि जीवन में जो कुछ भी है उसका एक बड़ा भारी पक्ष लय है। आकाश में जितने नक्षत्र हैं वो एक विशेष लय से चल रहे हैं, चंद्र जो है विशेष लय से चल रहा है, पृथ्वी एक विशेष लय से चल रही है। यदि ये लय न होती तो चंद्रमा तक जाना असंभव होता, क्योंकि वो एक गणना कर लेते हैं उस लय की कि इसकी गति इस लय से चल रही है और पृथ्वी की गति इस लय से चल रही है, वो गणना करके हिसाब लगा करके संभाल। तो हम देखते हैं कि सारी सृष्टि में एक लय विचित्र चीज होती है। और तो जाने दीजिए हमारे जो भाव हैं उनकी भी एक लय होती है, क्रोध में द्रुत लय हो जाती है, जो हम क्रोध करते जाओ यहाँ से ऐसा बोलते हैं, जाओ यहाँ से ऐसा तो नहीं बोलते। तो आप देखेंगे श्रृंगार में क्रोध में भरत के नाट्यशास्त्र में दिया है कि किस लय के द्वारा कौन सी चीज आगे चल करके हम उसको अधिक दिखाएंगे, किस राग में किस लय में किस भाव को किस लय में व्यक्त करना चाहिए, ये भरत के नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ, उसका उदाहरण हम कल देखेंगे। तो हम देखते हैं कि लय की एक बड़ी भारी समस्या है और संगीत में तो सारा खेल लय का, स्वर और लय का, स्वतः रंजयति और किस प्रकार से वो स्वर चल रहे हैं, लय स्वर के पैर हैं, किस प्रकार से वो स्वर चल रहे हैं, उसकी स्वर की गति कैसी हो रही है, विलंबित गति है, मध्य गति है, द्रुत गति है, ये सब जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक संगीत में किस प्रकार से रस की निष्पत्ति हो जाती है यह हम नहीं समझ पाएंगे। अब तीसरा शब्द है राग। राग शब्द जो है वो भी एक अद्भुत शब्द है, रंज धातु से राग बना। रंज धातु का दो अर्थ होता है, रंग देना और प्रसन्न करना। राग वो है जो चित्त को अपने भाव से बिल्कुल रंग दे,
और रंग करके चित्त में प्रसन्नता का उत्कर्ष, आनंद का उत्कर्ष पैदा करे, वो है राग। माने तीन प्रकार के शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होता है, दूसरा जो है रूढ़ शब्द होता है, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द तो यह है, धातु का जैसा अर्थ है ठीक वैसा ही उस शब्द में है। जैसे राग शब्द है तो रंजयतिति राग, रंज धातु से राग संज्ञा बनी हुई है, राग नाउन बना हुआ है। रंजन करना, चित्त में आनंद आह्लाद उत्पन्न करना, ये यौगिक शब्द हो गए। और योग रूढ़ शब्द वो है जैसे हम कहते हैं पद्मज, पंकज, पंकज, पंक में कीचड़ में जो उत्पन्न होता है, तो कीचड़ में तो बहुत सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन केवल हम कमल के लिए पंकज बोलते हैं और चीज़ों के लिए पंकज नहीं बोलते। ये योग रूढ़ हो गया, रूढ़ भी है, एक कन्वेंशन है, केवल क्यों हम कमल के लिए पंकज क्यों कहें, ये कन्वेंशन है, रूढ़ है। और उस रूढ़ के साथ धात्वर्थ भी वहाँ विद्यमान है कि पंख में वो उत्पन्न होता ही है, उसको हम पंकज कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द वो है जिसका कोई धात्वर्थ नहीं है, प्रयोग में है, चला आया है, कन्वेंशन है, वो रूढ़ शब्द। जो राग शब्द है ये योग रूढ़ शब्द, इसमें उसमें धात्वर्थ भी विद्यमान है और एक कन्वेंशन भी है कि इसी को हम राग कहेंगे, दोनों विद्यमान हैं, ये योग रूढ़ शब्द है। तो जब हम देखते हैं कि स्वर क्या है और लय क्या है और राग क्या है, तब हम आगे चल करके ये देखना चाहेंगे कि संगीत में रस की किस प्रकार से अनुभूति होती है। प्रत्येक कला की अपनी अपनी विशेषता होती है। पहली विशेषता तो माध्यम की है। हम वास्तुकला को ले लें, आर्किटेक्चर को ले लें, उसका माध्यम क्या होता है? एक ठोस ईंट या पत्थर, इसी से जितने मकान हैं वो सब बनते हैं। उसमें भी एक विशेषता होती है, एक सौंदर्य होता है, परंतु जो आर्किटेक्ट है उसका माध्यम, अपने भाव को व्यक्त करने का जो माध्यम है, जो मीन्स है, वो इतना ठोस है कि आर्किटेक्चर में जो अपने भाव हैं वो उनको बेचारा व्यक्त नहीं कर पाते। एक तो आर्किटेक्ट, अब आइए स्कल्पचर, मूर्तिकला को लीजिए, प्रतिमा कला को लीजिए। प्रतिमा कला संगमरमर या पत्थर, साधारण पत्थर या मिट्टी, इससे हम बनाते हैं, परंतु वो जो आर्किटेक्चर है उस वो उतना ठोस नहीं है, क्योंकि प्लायबल है, उसको हम काट करके, छांट करके या दबा करके थोड़ा बहुत अपने भाव को थोड़ा बहुत व्यक्त कर सकते हैं, अधिक तो वहाँ भी संभव नहीं है। ये है स्कल्पचर आर्ट। तीसरा जो है वो है चित्र। चित्र जो है उसका माध्यम क्या है? रंग है उसका माध्यम। रंग पत्थर, ईंट इत्यादि से अधिक सूक्ष्म है, उसका जो माध्यम है वो अधिक सूक्ष्म, इसलिए उस सूक्ष्म माध्यम में अपने भाव को जो कलाकार है वो अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते। अब आइए काव्य में, उसका माध्यम क्या है? शब्द है। यदि कोई शब्द नहीं समझता है तो काव्य के भाव को समझ नहीं सकता, और वो शब्द भी
तीन प्रकार से है। कल भी मैंने कहा था अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा तो वो है जैसा सीधा डिक्शनरी मीनिंग उसका जो होता है डिनोटेशन, और लक्षणा जो है थोड़ा से फिगरेटिव सेंस में होता है, और व्यंजना जो होता है सजेस्टिव सेंस में होता है। ये अधिक सूक्ष्म है, रंग से भी अधिक सूक्ष्म है और रंग से भी अधिक व्यापक है। रंग में भी भावों को व्यक्त करने की उतनी शक्ति नहीं है जितना कि शब्दों में, परंतु फिर भी वहाँ वाचक और वाच्य भिन्न, वाचक और वाच्य एक में गुथे नहीं रहते, पद और पदार्थ एक में गुथा हुआ नहीं रहता। अब संगीत में आइए तो वहाँ पर स्वर से बाहर कोई चीज, स्वर और उसका स्वर क्या कहना चाहता है वो दोनों एक ही, और वो शब्द से भी अधिक सूक्ष्म है। जितना हम ध्वनि के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं उतना हम शब्द के द्वारा नहीं व्यक्त कर सकते। आप मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, पशुओं को देखिए, पशु में क्या होता है, उनके पास तो शब्द है नहीं, या होंगे भी तो हम लोगों को पता नहीं, परंतु ध्वनि है उनके। बिल्ली जब अपने बच्चे को अपने पास बुलाती है उस वक्त समय जब म्याऊ कहती है उसकी ध्वनि दूसरी होती है, और बिल्ली का बच्चा जब मर जाता है तब कितने दर्द के साथ म्याऊ कहती है उसकी ध्वनि दूसरी होती है। गाय का बछड़ा जब कहीं चला जाता है उस समय जो वो रंभाती है उसकी ध्वनि दूसरी होती है, और जब वो पिलाती है उसको उस समय जो रंभाती है उसकी ध्वनि दूसरी होती है। और साधारण बोलचाल में भाव की अभिव्यक्ति ध्वनि के द्वारा जितना हो सकता है शब्द के द्वारा नहीं हो सकता। नाटक में तो इसी की विशेषता है। एक छोटा सा शब्द मैं लेता हूं, नहीं, नहीं एक निषेधवाचक शब्द है, परंतु देखिए भिन्न भिन्न ढंग से उसकी ध्वनि, जो नहीं में जो ध्वनि है उसको भिन्न भिन्न ढंग से प्रयोग करने से भिन्न भिन्न भावों की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है। हम कहते हैं नहीं, एक तो ये बोल नहीं, दूसरी बोल आप देखेंगे कि बिल्कुल ध्वनि बदलती रहती है, और ध्वनि बदलते में कहीं क्रोध का भाव, कहीं डांट का भाव, ये नहीं शब्द में तो नहीं है उस ध्वनि में जिसके द्वारा हम प्रयोग करते हैं। एक छोटे से शब्द, एक वाक्य को लीजिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं ये आप ही का घर है, ये आप ही का घर है, एक दिल्ली हुआ ये आप ही का घर है, एक अब देखिए अर्थ में कितना भाव, वाक्य तो वही है, ये शब्द वही है, आप ही शब्द वही है, का शब्द वही है, घर वही है वही, परंतु ध्वनि बदल गई, ये आप ही का घर है, ये आप ही का घर है, अब बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत। ध्वनि में जब भाव को व्यक्त करने की इतनी शक्ति है तब स्वर जो एक विशेष ध्वनि है उसमें कितनी शक्ति होगी भाव, ये आप स्वयं सोच सकते हैं, भाव की अभिव्यक्ति की कितनी शक्ति होगी। राग की परिभाषा यही है, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां
सराग कथितो बुधई। ध्वनि है राग में, परंतु ध्वनि साधारण ध्वनि नहीं है। योयम ध्वनि विशेषस्तु, जो साउंड फिजिक्स ने साउंड को दो खंडों में विभक्त कर दिया है, एक को वो बोलते हैं नॉइज और दूसरे को वो बोलते हैं नोट। नॉइज वो है जहाँ ध्वनि अनियमित होती और स्वर वहाँ है जहाँ ध्वनि नियमित प्रकार से चलती। उसके जितने वाइब्रेशंस होते हैं वो नपे तुले होते हैं, और शब्द जब हम बोलते हैं उसके वाइब्रेशंस नपे तुले नहीं होते। तब जो अनियमित ध्वनि में भिन्न भिन्न भावों को व्यक्त करने की इतनी शक्ति है, तो नियमित ध्वनि में भिन्न भिन्न भावों को व्यक्त करने की कितनी शक्ति होगी, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। योयम ध्वनि विशेषस्तु, माने कोई भी परिभाषा जो होती है उसको लैटिन में कहते हैं पर जीनस या डिफरेंशियम। जीनस देना होता है और डिफरेंशिया देना होता है, तब परिभाषा बनती है। जीनस वो है एक हायर क्लास जिसमें वो जिसकी परिभाषा हम करना चाहते हैं उसके अंतर्भाव दिखलाना, जैसे मैन को हम कहते हैं। तो मैन की परिभाषा क्या है? मैन इज ए रैशनल एनिमल। एनिमल एक बिगर क्लास है, सारे प्राणी एनिमल हैं, मनुष्य भी प्राणी है, बिना प्राण के वो जीवित नहीं रह सकता, इसलिए एनिमल है। परंतु और सब एनिमल से अलग मनुष्य क्या है? रैशनल है, और सब एनिमल में रीजन नहीं, ये उसकी परिभाषा होती है। तो एक जीनस होता है, एक डिफरेंशिया होता है। राग का जीनस क्या है? योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः, इतना बड़ा जीनस हो उसका। राग एक ध्वनि विशेष है, और वो कैसा ध्वनि विशेष है? स्वर और वर्ण उसमें। स्वर को मैं कह चुका हूं, अब वर्ण क्या है उसको समझना। ये ऐसा स्वर होता है जो चार ढंग से मूव करता रहता है। उस चार ढंग से मूवमेंट जो होता है, चार ढंग से जो उसकी गति होती है, इसके लिए एक पारिभाषिक शब्द है वर्ण। चार ढंग कौन कौन है? आरोह, स्वर या तो ऊपर चढ़ते जाएंगे स रे ग म प ध नी सा, आरोह हुआ, सा नी ध प म ग रे सा, अवरोह, आरोह अवरोह और क्या? संचार, नी रे सा नी रे ग रे सा नी रे ग नी रे ग म ग रे सा इत्यादि, माने भिन्न भिन्न प्रकार से मूवमेंट। तो वर्ण के लिए तो अंग्रेजी में कोई शब्द है, एक मेलोडिक मूवमेंट कह सकते हैं। गतिशीलता, स्वर में ऐसी गतिशीलता हो कि ऊपर चढ़ाव भी हो उतार भी हो और भिन्न भिन्न ढंग से वो मूवमेंट और मिक्स्ड मूवमेंट भी हो, इस प्रकार से जो होता रहता है वो वर्ण। इतनी बातें जिसमें हों, ये तो हुआ जीनस, लेकिन इतनी बातें होते हुए भी वो राग नहीं कहलाया। रंजको जन चित्ताना, ये डिफरेंशियल, माने इनको एकत्र करते जन के चित्त को रंजन कर सके तब राग। तो रंजको जन चित्ता नाम, ये मतंग की परिभाषा है। मतंग कोई सातवीं आठवीं सदी में हो गए। आगे चल करके लोगों ने कहा कि भाई जन चित्ता नाम ये जो कहा है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ऐरा गैरा नत्थु कलवारु, उनके सामने राग सुनाया और उनको रंजन
रंजकता में नहीं हुई तो राग नहीं होगा क्या? तो उसका अमेंडमेंट क्या? नहीं, रंजको सच्चित्ताना, डिसर्निंग, समझदार लोगों को रंजन, रसिक लोगों को रंजन करेगा। आज यही मैं आवश्यक समझता हूँ उस बात को कहना। प्रायः लोग कहते हैं, भाई आपका संगीत क्या है? अरे आम वहम होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य है कि वो एक इतनी अद्भुत कला है। हम शेक्सपियर के लिए तो नहीं कह सकते, कहते कि आम फहम होनी चाहिए। टागोर के लिए हम नहीं कहते कि आम फहम होनी चाहिए। संगीत ही ने क्या अपराध किया कि आम फहम कहने पर? आम फहम के लिए जो हैं वो लोकगीत हैं, मौजूद हैं, वो आम फहम हैं, उनका रस ले वो। लेकिन संगीत तो एक बहुत ही प्रौढ़ कला है, वो तो रसिक ही उसका रस ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। तल्लीनता, तन्मयता जिसकी नहीं होगी वो नहीं। इसलिए उसका थोड़ा सा परिष्कार किया, संशोधन किया उसने। रंजको सच्चित्तानां सराकः कथितो। अब आप एक दूसरी विशेषता देखें संगीत की। एक विशेषता तो मैंने ध्वनि की बतलाई कि ध्वनि में जितनी शक्ति है हृदय के सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए संसार में और किसी माध्यम में वो शक्ति नहीं। और दूसरी विशेषता क्या है? शब्द भी तो ध्वनि है। दूसरी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ के चिंतकों ने तो पराभा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी चार प्रकार की ध्वनि के पीछे भी गए हैं। परंतु उसके भीतर यदि मैं घुसूंगा तो कम से कम घंटे दो घंटे या दो दिन चाहिए, वो संभव नहीं है। वैखरी में सारी ध्वनि है। वैखरी माने जो हम अपने फिजियोलॉजिकल ऑर्गन से व्यक्त करते हैं उसको वैखरी ध्वनि कहते हैं। परंतु शब्द जितने हैं संसार की जितनी भाषाएं हैं वो सब भिन्न हैं। कालिदास की कविता का रसक ग्रहण यदि हम संस्कृत नहीं जानते तो हमारे लिए कुछ नहीं। ऐसे ही शेक्सपियर अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो हमारे लिए कुछ नहीं। जो अंग्रेजी जानता है उसके लिए बहुत कुछ है शेक्सपियर। जो संस्कृत जानता है उसके लिए बहुत कुछ है। जो उर्दू जानता है उसके लिए गालिब बहुत कुछ है। परंतु जो इन भाषाओं को नहीं जानता है वो तो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ उसको समझ नहीं। तो जितनी संसार की भाषाएं हैं जिनके द्वारा भाव को व्यक्त किया जाता है वो विशेष विशेष प्रदेश, विशेष विशेष जात की भाषा है और सीमित हैं वो, उनकी एक सीमा है। परंतु स्वर जो है वह मानव मात्र की भाषा है। चाहे रूसी गान हो चाहे ईरानी गान हो, हम ईरानी भाषा को न समझें परंतु गान उसके स्वर का आनंद तो हम ले सकते। हम रूसी भाषा न जानते हैं परंतु उसके स्वर जो उसमें प्रयुक्त हो रहे हैं उसका आनंद तो हम ले सकते। तो जितनी संसार की भाषाएं हैं वो सब एक सीमित देश काल से सीमित हैं, परंतु स्वर जो है वो विश्व मानव मात्र की भाषा है। और मानव को तो जाने दीजिए, पशु तक पर भी प्रभाव होता है। कालिदास की कविता या शेक्सपियर की कविता आप हिरण को सुनाएं तो कुछ नहीं, परंतु हिरण के सामने यदि आप बीन बजाएं यूं करके हो हिरण उसको सुनने लगेगा। अज्ञात विषयास्वादो बालः पर्यंकिका गतः
श्रुदन गीता अमृतम पीत्वा हर्षोत्कर्षम प्रश्न। कहते हैं एक बेचारा बच्चा जो कुछ कोई भी भाषा नहीं जानता है, अज्ञात है बिल्कुल, और अपने कॉट पर सोया हुआ है, उसके सामने यदि आप गीत या वाद्य बजाएं तो भी चौंक करके उसे सुनने लग जाता है। पशुर्वेत्ति शिशुर्वेत्ति वेत्ति गान फलम शिशु। पशुर्वेत्ति पशु भी उसको समझता है, उसका आनंद लेता है। शिशुर्वेत्ति बच्चा भी उसका आनंद लेता है। वेत्ति गान रसम फणी, जो फणी है कोबरा वो भी ऐसा उठ करके सुनने लग जाता है। यह स्वर की शक्ति है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक कला की अपनी अपनी विशेषता है, माध्यम की दृष्टि से विशेषता है और भावों की अभिव्यक्ति दृष्टि से विशेषता है और देश और काल की दृष्टि से विशेषता है। इसको ध्यान में रखते हुए जब हम देखते हैं तब लगता है इस दृष्टि से भावों की सूक्ष्मता को व्यक्त करने की विश्वभर में एक ही प्रकार से यदि कोई भाषा है जो कर सकती है तो वो स्वर। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो संगीत एक अद्भुत कला हमको दिखलाई देती है। अब एक घंटा हो गया, अब कल हम इसके भिन्न भिन्न रूपों को संगीत में किस प्रकार से रस होता है उसको उदाहरण सहित देखेंगे। अब कल इसको समाप्त करेंगे। आदरणीय वाजपेयी जी और मित्रों, कल के व्याख्यान में हमने ये बताया था कि प्रत्येक कला की अभिव्यक्ति के लिए एक विशेष माध्यम है और वो ठोस से स्थूल से धीरे धीरे वो माध्यम सूक्ष्म होता चला जाता है। वास्तुकला पत्थर ईंट बहुत ही ठोस माध्यम है, उस माध्यम में चाहे कितना ही बड़ा कलाकार हो हृदय के भावों को सूक्ष्म रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसे ही मूर्ति कला है, प्रतिमा कला है, वो भी ठोस माध्यम है। चित्रकला जो है रंग है वो उससे अधिक सूक्ष्म है। काव्य कला है वो उसमें शब्द है, उसमें अधिक व्यंजकता है। और संगीत जो है उसमें स्वर है और लय। और उसी सिलसिले में मैंने ये भी कहा था कि जो शक्ति ध्वनि में है हृदय के सूक्ष्मतम भावों को, हृदय के अंतस्तम तल के भावों को व्यक्त करने की शक्ति जो ध्वनि में है वो किसी और माध्यम में नहीं है। तो माध्यम की दृष्टि से हम देखते हैं कि संगीत में रस के परिपाक के लिए एक बहुत ही उत्तम साधन है। एक दृष्टि से और देखना है, जो वास्तुकला है वो स्पेस में देश में फैला हुआ स्पेशल आर्ट, क्रम उसमें नहीं है, गति उसमें नहीं है, मूवमेंट उसमें नहीं है। एक चाहे कितने सुंदर भवन हो एक ठूठ के तरह से वो खड़ा है, परिसीमित है देश से, उसमें गति बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही मूर्ति प्रतिमा कला में भी गति नहीं है। और जो चित्र है
उसमें भी स्पेशल आर्ट है, गति नहीं है। घोड़े को दौड़ना दिखलाना होता है तो उसकी टांगें उठा करके दिखला देते हैं, उससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये घोड़ा दौड़ रहा है। परंतु दौड़ना या गति वो बेचारा चित्रकार नहीं दिखला सकता। जब काव्य में आते हैं तब छंद में हमको गति का माध्यम या साधन मिल जाता है, और जब हम संगीत में आते हैं तो हम देखते हैं इट इज बोथ स्पेशल एंड ए टेम्पोरल आर्ट। टेम्पोरा शब्द लैटिन का है जिसके माने होते हैं टाइम के, उसका विशेषण है टेम्पोरल, माने उसमें देश और काल, गति और स्थिति दोनों को अभिव्यक्त करने की एक अपूर्व शक्ति। तो हम देखते हैं जीवन में स्थिति और गति, ब्रह्म में स्थिति और गति दोनों। इस दृष्टि से भी संगीत एक अपूर्व कला है। इसके पूर्व कि मैं आगे बढ़ूं, एक शंका का समाधान कर देना आवश्यक समझता हूँ। मैंने कल कहा था कि संगीत न केवल मनुष्य, संगीत का प्रभाव न केवल मनुष्य पर पड़ता है, पशु पर भी पड़ता है, बालकों पर भी पड़ता है। क्या कारण है यदि पशु के ऊपर पड़ता है तो क्या कारण है, ये प्रश्न होता है, उठता है, एक स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या कारण है कि जिसको आप क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, शास्त्रीय संगीत कहते हैं, अभिजात संगीत कहते हैं, वह प्रायः लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और अभिजात संगीत का प्रयोग एक दक्षिण के यूनिवर्सिटी में हो चुका है पौधों के ऊपर। मालकोस राग बजाया गया, बागेश्वरी राग बजाया गया, उन रागों को सुनकर के पौधे ज़्यादा समृद्ध होते हैं और उनमें फली भी अधिक लगती है। पशु के ऊपर भी प्रयोग हुआ है, गाय के ऊपर अधिकतर प्रयोग हुआ है। गाय को जब आप दूहते हैं तो अपने बच्चे के लिए सुरक लेती है, थोड़ा बहुत चुरा लेती है दूध, परंतु बच्चे को जब छोड़ा जाता है उसको पान करने के लिए, स्तन पान करने के लिए, उस समय जब ये राग बजाए जाते हैं तब सारा अपना दूध वो दे देती है। इस प्रकार का प्रयोग, प्रसन्नता प्रसन्न होकर के सारा दूध देती है, इस प्रकार के प्रयोग कुछ थे। तो यदि ये है ऐसा सही है तो क्या कारण है कि हमारे साधारण लोगों को अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक मैंने सोचा है इसका एक मुख्य कारण यह है कि शैशवावस्था से हम लोग केवल शब्द की दुनिया में रहते, स्वर का हमको पता नहीं होता। हमारी जो शिक्षा है उसमें भी शब्द के द्वारा सब कुछ सिखलाया जाता है, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, सब शब्द का साम्राज्य है। स्वर क्या होता है ये हमको पता ही नहीं। आज चर्चा हो रही थी मीटिंग में और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है जान करके कि यहाँ का प्रशासन ये सोच रहा है कि लगभग आठवें वर्ग तक सबको संगीत की थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाए। उसका ये उद्देश्य नहीं होगा कि वो अच्छा कलाकार बन जाए या गायक बन जाए या वादक बन जाए, परंतु स्वर की दुनिया क्या है ये भी तो उसको पता लग जाएगा। तो होता क्या है कि प्रायः श्रोता का ध्यान शब्द पर रहता है। पशु तो शब्द जानता ही नहीं, वो केवल ध्वनि जानता है, उसका ध्यान ध्वनि पर रहता है, परंतु प्रायः हमारे यहाँ शब्द पर ध्यान रहता है। हम गा रहे हैं तेरे सुनो,
आ गए। बार बार हम कहते हैं तेरे सुनो सुनो सुनो। श्रोता कहता है अरे सुन तो रहे हैं ये बार बार सुनो सुनो क्या कहता। अब ये वो नहीं देखता कि शब्द तो सुनो है लेकिन स्वर बिल्कुल बदल गए। तो स्वर की दुनिया निराली है, इधर उसको ध्यान नहीं जाता उसका। प्रायः पाश्चात्य देशों में ये नहीं होता है क्योंकि वहाँ की शिक्षा ऐसी है कि स्वर का थोड़ा बहुत अंदाज प्रत्येक विद्यार्थी को रहता है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और एक वर्ग तक थोड़ा बहुत सबको सिखलाया जाता है। जहाँ तक मैंने सोचा है संभवतः यही कारण एक हो सकता है। और दूसरा कारण जो हमारे गायकों में वादकों में दोष आ गया है उसका उल्लेख मैं पीछे करूँगा, वो भी दूसरा कारण है। तो आज पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने अभी तक ये देखा है कि रस की निष्पत्ति के लिए व्यक्ति निरपेक्षता साधारणीकरण आवश्यक है। यदि व्यक्ति के स्तर पर व्यक्ति के धरातल पर कोई रहेगा तो वह भाव की दुनिया में है, रस की प्रतीति उसको नहीं हो सकती, रस की अनुभूति उसको नहीं हो सकती। ये हमने देखा। और दूसरी बात संक्षेप में हमने ये देख लिया कि जो स्थितिक एटीट्यूड है, जो कलात्मक अभिवृत्ति है, मानसिक अभिवृत्ति है, वह और सब चीज़ों से भिन्न है। उसमें एक अलौकिकता है, न तो वह प्रत्यक्ष है, न वह अनुमान है, न वह स्मृति है, न वह शब्द प्रमाण है, वह एक अतीब अलौकिक अनुभूति है। लोक में तो शोक से केवल दुख होता है और कुछ नहीं होता, पर कला में शोक से भी आनंद है। तो अलौकिकता और व्यक्ति निरपेक्षता संक्षेप में रसानुभूत के लिए ये दो बहुत आवश्यक है। व्यक्ति निरपेक्षता के लिए भरत ने नाटक के परिप्रेक्ष्य में अपना सूत्र बनाया है रस का, विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोगात रस निष्पत्ति। तो नाटक में तो विभाव होते हैं, वहाँ आलंबन भी है, शकुंतला हैं, दुष्यंत हैं, सीता हैं, राम हैं, और उद्दीपन भी होता है, उद्यान का भी दृश्य है, नदी का भी दृश्य है इत्यादि। आलंबन और उद्दीपन विभाव भी होते हैं, वहाँ अनुभाव भी होता है, कटाक्ष होता है, इत्यादि इत्यादि होते हैं। संगीत में रस की निष्पत्ति कैसे होती है, वहाँ तो कोई विभाव होता नहीं। सच बात तो यह है कि संगीत में जो स्वर होते हैं वो पहले ही से ही व्यक्ति निरपेक्ष होते हैं। बना बनाया स्वर, स्वर में रस निहित रहता है। षड्ज है, ऋषभ है, गांधार है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं। कल मैंने कहा था ना कि संगीत तो मानव मात्र की मातृभाषा है, किसी एक प्रदेश की, किसी एक देश की, किसी एक जाति की भाषा नहीं। संगीत में जो रस की निष्पत्ति होती है वह पहले से ही स्वर में ही साधारणीकरण निहित है। इस बात को भी समझ लेना होगा, हमको उसमें कोई प्रयत्न या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। अब ये प्रश्न उठता है कि भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में, जैसा इस ब्लैक बोर्ड पर आप देखेंगे, ये एक स्थान पर लिखा है कि षड्ज से वीर अद्भुत रौद्र इत्यादि रस होता है, श्रृंगार से ऋषभ से, मैं अपने इसमें से निकालता हूँ, ऋषभ से वीर अद्भुत रौद्र रस होता है, गांधार से करुण रस होता है, मध्यम से श्रृंगार और हास्य रस, पंचम से श्रृंगार और हास्य, धैवत से विभत्स और भयानक, निषाद से करुण। ये
इतने प्रकार के जो रस हैं काव्य में नाटक में, दो प्रश्न यहाँ उपस्थित होते हैं। क्या ये सभी रस संगीत में भी व्यक्त होते हैं? एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये है कि भरत का तात्पर्य क्या है? क्या एक स्वर से, चाहे वो ऋषभ हो चाहे वो षड्ज हो, रस की निष्पत्ति हो सकती है? अभिनव गुप्त ने अपनी अभिनव भारती टीका जो भरत के नाट्यशास्त्र पर लिखी है, एक शंका का निराकरण उसमें उन्होंने कर दिया है कि भरत का यह तात्पर्य नहीं है। ये एक स्वर जो उन्होंने कहा है वो स्थायी स्वर है। स्थायी स्वर प्राचीन संगीत में वही कहलाता था जिसको आज हम प्रारंभक स्वर कहते हैं, जो बराबर विद्यमान रहता है, जो कभी हटता नहीं, जिसको अंशत स्वर कहते हैं। उस अंशत स्वर से जो स्वरावली बनेगी उसका तात्पर्य भरत का है। परंतु यदि वो स्वरावली बन भी गई तो क्या एक ही स्थायी स्वर से, आप देखेंगे कि षट से वीर अद्भुत और रौद्र, और ऋषभ से भी वीर और अद्भुत और रौद्र, ये दोनों में कोई भेद नहीं है क्या? ये दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है। पहले तो हम एक स्वर को देख लें। साधारणतः ये स्वर हम सिखलाने के लिए अलग अलग कहते हैं, षड्ज और ऋषभ और गांधार और मध्यम इत्यादि जानने के लिए। परंतु राग में जब ये स्वर आते हैं तब उनका एक विचित्र रूपांतरण हो जाता है। जैसे ऋषभ को लीजिए, अब कल्याण में ऐमन में, ऐमन फारसी का शब्द है, कदाचित आपको यह विदित नहीं होगा कि ऐमन फारसी में कल्याण का अर्थ होता है। जो कल्याण है वही ऐमन है, फारसी का शब्द है, अमीर खुसरो का दिया हुआ शब्द है। वहाँ ऋषभ की यह स्थिति है। अब आइए देश में, मगरे गरे रे सीसा, वहाँ ऋषभ की यह स्थिति हो जाती है। गंधार को लीजिए कल्याण में, नीरे गरे नीरे सा, तिलक काम और में लीजिए पनी सारे कसा, गंधार की यह स्थिति हो जाती। तो मध्यम को लीजिए, केदार को लीजिए, स म म प त प म म रे सा, स म मध्यम चांदनी की तरह से वहाँ पर व्यक्त हो रहा है। और वही मध्यम, वही शुद्ध मध्यम भीम भलासी में लीजिए, नी सा म ग रे सा, नी सा ग म ग रे सा, नी सा म म म म ग रे सा, नी सा ग म प ग म ग रे सा, वहाँ मध्यम की विचित्र थी। तो आप देखेंगे कि एक ही स्वर को अगर हम लें, राग में वो स्वर किस प्रकार व्यक्त हो रहा है, राग में उस स्वर की क्या आकृति है, राग में उस स्वर की किस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, ये भिन्न भिन्न रागों में बताएंगे। तो एक स्वर से तो रस की निष्पत्ति कभी हो नहीं सकती, चाहे हम उसको स्थाई का अर्थ ये ले लें कि वह एक मूर्छना बनेगी, एक ठाट बनेगा, एक मेल बनेगा, अथवा एक स्वर अर्थ ले लें, किसी प्रकार से भी मैं समझता हूँ कि उससे रस की निष्पत्ति नहीं होती। तब प्रश्न ये होता है कि भरत ने ये लिखा,
आखिरकार वो इतने बड़े आचार्य थे, असाधारण व्यक्ति थे, मुनि कहलाते थे, उन्होंने किसी तात्पर्य से किसी दृष्टि से ही तो लिखा होगा, यह प्रश्न उपस्थित होता है। और क्या ये सारे के सारे रस जो हैं, हास्य रस, विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस, क्या ये संगीत में व्यक्त हो सकते हैं? विभत्स तो जहाँ घृणा का दृश्य होता है वहाँ विभत्स रस की निष्पत्ति होती है, क्या घृणा से संगीत का कोई संबंध हो सकता है? और हास्य रस तो कथानक जहाँ कोई है, जहाँ कोई घटना है, जहाँ कोई वस्तु स्थिति है, नाटक में तो ठीक है, परंतु काव्य में भी क्या मुक्तक काव्य जो हैं, मुक्तक छंद जो हैं, मुक्तक कविताएं जो हैं, क्या उनमें भी ये सारे रस होते हैं? एक छोटा सा उदाहरण पहले काव्य का लीजिए। पंडित राज जगन्नाथ की एक कविता है, एक कवि जो है वो बहुत अच्छा कलाकार था, परंतु उसके समय में लोग उसकी रचना का आदर नहीं करते थे और वो बहुत ही खिन्न हो उठा था। वो जा रहा था, उसने देखा एक तालाब है, एक पुष्कर है, वहाँ बगुला एक है और कमलिनी खिली हुई है, कमलिनी के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, मत्स्य के ऊपर ध्यान है। कवि कहता है, कमलिनी मलिनी करोषि चेतः किमिति वकैरव हेलितान अभिज्ञैः परिणत मकरंद मार्मिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिंदा। हे कमलिनी, तू क्यों सपचाई हुई है? इसलिए सपचाई हुई है कि ये वक, ये बगुला तेरे ऊपर दृष्टि न करके मत्स्य के ऊपर दृष्टि लगाए हुए है। कमलिनी मलिनी करोषि चेतः किमिति वकैरव हेलितान अभिज्ञैः, ये अनभिज्ञ बक इनसे अब हेलित हो करके तू अपने चित्त को मलिन करती है। परिणत मकरंद मार्मिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिंदा। तेरे परिणत मकरंद के मर्म को समझने वाले जगत में जो मिलिंद हैं, भ्रमर हैं, वो चिरायु हैं। मुक्तक छंदों में प्राय यही देखेंगे, वहाँ आप विभाव ढूंढें, अनुभाव ढूंढें। कुछ लोगों ने भरत के सूत्र को इस प्रकार से ले लिया है कि वो मुक्तक छंदों में भी विभाव अनुभाव जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं। उर्दू का एक शेर है इलाहाबादी अकबर का, बहुत ही अच्छा है। रकीबों ने रपट जा के लिखा दी है थाने में कि अकबर याद करता है खुदा को इस जमाने में। अब आप देखेंगे वहां सारी व्यंजना इस जमाने में, अकबर का कहने का क्या तात्पर्य है? इस भौतिक युग में जबकि ये कहा जा रहा है गॉड इज डेड, उस युग में इसके अपराध को नोट कर लिया जाए, ये उसको याद करता। तो जब स्वयं काव्य में विभाव अनुभाव इत्यादि नहीं मिलते प्रत्येक स्थान पर, तो संगीत में विभाव अनुभाव को ढूंढना तो और व्यर्थ है। जैसा मैंने पहले से कहा कि स्वर की तो ही विशेषता है, वो पहले से ही स्वर में निहित है साधारणीकरण, उसमें व्यक्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि संगीत में हास्य रस कैसे हो सकता है? नाटक में तो कोई कथानक होता है, व्यक्ति होते हैं, कोई उससे भ्रम हो जाता है, वहाँ हास्य उत्पन्न होता है। संगीत में कोई कथानक तो है, कोई वस्तु स्थिति तो है नहीं, कोई घटना तो है नहीं, तो उसमें हास्य रस कि कोई गुंजाइश मेरी समझ से नहीं है। और विभत्स रस एक संगीत में तो संगीत ही नहीं रहेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। एक संगीत तो एक बहुत ही सुकुमार कला है, इसमें तो श्रृंगार, करुण, अद्भुत,
शरीर इतने ही प्रकार के रस हो सकते हैं, बीभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस, हास्य रस, ये सब तो बिना कथानक के, बिना वस्तुस्थिति के किसी प्रकार से हो ही नहीं सकते। इसलिए इसके पूर्व की बाएं आगे संगीत में किस प्रकार से रस की निष्पत्ति होती है और उसमें स्वर और लय का क्या स्थान है, इसको ढूंढ इसका मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ कि संगीत में सभी जितने रस काव्य के हैं या नाटक के हैं उनकी अपेक्षा संगीत में करना व्यर्थ है। मेरी समझ से विभस रस और हास्य रस, भयानक रस, रौद्र रस, ये सब संगीत में नहीं हो सकते हैं। विभस रस होगा तो संगीत ही नहीं रह जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। क्यों नहीं हो सकते हैं कि आवश्यक नहीं, तो बहुत ही उच्चतम सूक्ष्मतम कला है। अब रह गया कि यदि स्वर से ही सब कुछ होता है तो किस प्रकार से रस की निष्पत्ति होती है। पहले जो जितने हमारे शास्त्र बने हैं उनमें यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो केवल स्वर से संगीत नहीं हो सकता है, स्वर का किस प्रकार से प्रयोग होता है उससे रस की। और संगीत रत्नाकर में आप देखेंगे उन्होंने 96 प्रकार के स्थाये बताए हैं। एक बार मैं गिनने लग गया तो देखा 96 प्रकार के स्थाये बताए। स्थाये एक पारिभाषिक शब्द है, स्थाये माने स्वर का अवयव, मेलोडिक फ्रेज, और उसमें रंजकता की अभिव्यक्ति की अभिव्यक्तित्व शक्ति, यही शब्द है, रंजकता की अभिव्यक्तित्व की शक्ति जिसमें हो, इस प्रकार से जब स्वरों का प्रयोग होगा तब जाकर के उसमें रस की निष्पत्ति होगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं बड़ौदा गया था, उस्ताद फैयाज खान से मिलने गया, प्रातः का समय था, वो तंबूरा लेकर के जौनपुरी का केवल स्वर में आराम कर, ना कोई बोल था ना कोई तोन, केवल सरगम में बैठे बैठे आला चार। और उच्चार में बहुत सी बातें हैं, उच्चार को जो अशिक्षित कलाकार हैं संगीत के वो अवचार कहते हैं, मैंने उनको कहते हुए सुना, वो जानते हैं शब्द को परंतु शुद्ध रूप उसका नहीं जानते, अवचार कहते हैं, इसका अवचार आना चाहिए। तो उच्चार भेद जो है उस उच्चार भेद में ही रस नहीं था। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं कोई गायक नहीं हूं और 90 वर्ष 6 महीना हो गया, आवाज कांपने लग गई है, परंतु फिर भी विवश होकर के उदाहरण के रूप में मैं
प्रभात खंडे जी लखनऊ में आए और उन्होंने मैरिस म्यूजिक कॉलेज वहाँ पर खोला। उस समय मैं संगीत सीख रहा था। मुझे लक्ष्मण भी प्रभात खंडे जी को ये बहुत प्रिय लगे और मेरा बहुत पहले से परिचय था उनसे। तो प्रायः रविवार को मैं कानपुर में अध्यापक था उस समय। कानपुर से लखनऊ बहुत दूर नहीं है। महीने में दो तीन रविवार को मैं उनके पास पहुँचा आता था अपनी शंकाओं की निवृत्ति के लिए, पूछने के लिए। तो लक्षण गीत उनके रट के मैं ले गया। बागेश्वरी का एक लक्षण गीत था, गाओ बागेश्वरी, इसको रट के मैं ले गया। जैसा उन्होंने नोटेशन में स्वरलिपि में लिखा है अपने ग्रंथ में, वैसे ही मैं रख के ले गया।
इस प्रकार से कर देना कि
कि उपताप हृदय का जो उपताप है, हृदय का जो भाव है, क्या है। ये संगीत के लिए परमावश्यक है, काम का प्रयोग। और जो बात की कमी भी किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं हो सकती है, वो काव्य के द्वारा व्यक्त होता है। उर्दू के एक शायर ने कहा है, हंस के भी कहा और रो के भी कहा, लेकिन हंस के भी कहा और रो के भी कहा, लेकिन मतलब दिल कभी अदा नहीं। संगीत का यह दावा है कि तुम जो हंस के और रो के कहते हो, फिर भी तुम हृदय के भाव को नहीं व्यक्त कर सकते, वो हम गा के कर सकते। हृदय का सूक्ष्मतम भाव जो स्वर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, किया जा सकता है, उस संसार में कोई दूसरा माध्यम नहीं। और उसमें काव्य का प्रयोग किस प्रकार होता है, यह छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये सीधा सा, अब काव्य का प्रयोग ना ही में आएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। बेचैनी, नैराश्य, भ्रांति, न जाने कितने भाव उस काव्य में व्यक्त हो रहे। पिया तो कलाकार हो गए हैं, अब्दुल करीम खान, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, उस्ताद फजाद खान, उस्ताद फजाद खान का उदाहरण मैं देता हूँ, लिखिएगा काव्य का प्रयोग इस प्रकार से। प्रायः हम इसको भूल गए। अब एक दूसरी विशेषता रस की सृष्टि में जो संगीत में है, वो और कला में नहीं पाई जाती। वो क्या विशेषता है कि एक ही रस के भिन्न भिन्न क्रम, भिन्न भिन्न डिग्री, भिन्न भिन्न अतिरेक किस प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं, ये स्वर के द्वारा जिस प्रकार से जिसका प्रयोग होता है, वह शब्द के द्वारा नहीं। उदाहरण के लिए लीजिए, एक करुण रस को ले लीजिए। करुण रस देश में है, करुण रस बागीचे में है, पीरू में है, कई रागों में है, परंतु उस करुण रस की अभिव्यक्ति की मात्रा किसमें कितनी है, ये जो संगीत में बात व्यक्त होती है वो अनुचित है। बागेश्वरी में एक ठंडी आह करुण रस, देश में एक निर्तित अलसित मूर्छित स्थिति है करुण रस, और पीलू में वेदना की गरम गरम आंसू। अब थोड़ा सा उदाहरण लीजिए, वही जो मैंने शुरू किया था उसी को ले रहा हूं, बाकी ठीक है।
इसी कारण आचार्य सूरदास का एक पद है। लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, मुझे तो विश्वास नहीं, क्योंकि इतनी सूक्ष्म बारीकी इस कविता में जो मैं देखता हूँ, ये जन्मांध व्यक्त कर नहीं सकता। पद क्या है? या बिन नागिन कारी रातम के बिना एक कारी नागिन भी कारी होती थी और रात भी कारी है, ये कारी रात नागिन भी समान है। यहाँ तक ठीक। अब आगे देखिए, सर्प जो होता है जब किसी को कसता है, काटता है, तब सीधे नहीं काटता, काट करके उलट जाता है, क्योंकि बिना उठते इंजेक्ट नहीं होता है पॉइजन से, ऐसे करके क्यों हो जाता है, तब क्यों करता है, तब इंजेक्ट होता है पॉइजन। अब कभी कहता है कि कारी रात तो नागिन है, तो मान लिया नागिन भी कारी होती है, रात भी कारी, परंतु उसका विष कैसे इसमें निकलाओगे तुम? तो वो कहता है, और जब वो उलटती है तब उसका फंड जो होता है, तब फंड में छोटे छोटे बूंदे खिलाई देते हैं नीचे के तरफ। कबहू को यामिनी होती जो नहीं दिया, दसी उल्टी हो जा। ये जो नक्षत्र आप देख रहे हैं छोटे छोटे झिलमिल झिलमिल झिलमिल, वो बूंदे हैं नागिन का, जब वो डस करके उलटती है।
का परिपोषण और उन भावों की भिन्न भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति जो स्वर द्वारा हो सकती है वो अन्य। अब एक बात और कि जहां वो आया है वहां एक विराम शब्द भी आया है, रस की अभिव्यक्ति के लिए विराम या विश्रांति, गा के नहीं चुप होकर के विश्राम, वो प्यार से होता है। उसका भी उदाहरण में देख करके तब उनका छुट्टी करना इसी राग में नकल बिखला। पहले मैं उदाहरण काव्य में भी उसमें होता है, उसका उदाहरण देकर के तब आप लोगों की समझ में अधिक अच्छी तरह से आएगा। ब्राउनिंग की एक कविता है थ्री बेल्स, और कविता प्रारंभ होती है सो वहां कॉमन चुप है, सो इसे हम नीड इन थ्री बेल्स, तीन दिन की इतनी लंबी अवध के बाद हम कब मिलेंगे, पर सो के बाद जो कॉमा है उस कॉमा ने जो कुछ कहा है वो जो विराम है कॉमा का विराम है, सो मीट इन थ्री डेज, वो विराम क्या होता है, इतनी लंबी अवधि, उग्रता उस लंबी अवधि की उग्रता उस विराम के द्वारा मिलती है। संस्कृत में उत्तर रामचरित में जब राम ने सीता को वनवास दे दिया तो जब वो वन में जाते हैं बासंती मिलती है, वो कहती है हे राम तुमने सीता से ये कहा था तमस्य मे हृदय द्वितीयम तम पौधी नयन और अमृतम तमंगे इत्यादि अनुरुद्ध मुद्धाम दाम माय ग्राम इत्यादि भी शीर्षकैर अनुरुद्ध मुद्धाम दाम अथवा भजन। हे राम तुम तो सीता से भी कहते थे तमसि में हृदय द्वितीय तुम मेरा द्वितीय तुम कौमुदी नयन हो मेरी आंखों के लिए तुम मून लाइट कौमुदी अमृतम कमंगे मेरे अंग के लिए तुम अमृत है इत्यादि भी प्रिय शतैर अनुरुद्ध मुग्धाम ताम ऐसे ऐसे नाना प्रकार के प्रिय वचनों से उस बेचारी भोली भारी को ठग करके अवरुद्धि उसका हृदय भर आता। क्या दुर्दशा राम ने की है, सब व्यक्त उस विराम में, और आगे क्या कहते अथवा किन इसके आगे मैं क्या। अब जो राग देशी का मैंने गाया था उसमें विश्रांति किस प्रकार से अभिव्यक्त करती है भाव को उसको देखिए। सांस फूलने लग जाता है होता है प्रति और नए माने ले जाना
किसी के प्रति अपने भाव को ले जाना, अभिव्यक्त करना। इसका समकक्षी शब्द अंग्रेजी भाषा में तो है, अंग्रेजी में तो वो बोलते हैं एक्टिंग। एक्टिंग तो केवल आंगिक अभिनव, पर अभिनव केवल अंग से ही थोड़े होता है, अभिनव वाचिक अभिनय भी तो होता है, वचन से भी तो अभिनय होता है, स्वर से भी तो अभिनय होता है, आहार्य अभिनव है, सात्विक अभिनय है। तो स्वर जो है वो वाचिक अभिनय है, स्वर के द्वारा अपने भावों को दूसरे के प्रति किस प्रकार से मनुष्य व्यक्त कर सकता है, इसी में सारे संगीत कला की निष्पत्ति है। अब मैं एक वो उस्ताद फैयाज खान का देश में तो उन्होंने कोई शब्द नहीं, परंतु उस्ताद फैयाज खान को मैंने पहुँचना मौका मिला, पर उस मोटी गले में किताब करके उन्होंने लाया अभी तक किया है। यह आप देखिए कृपा करके उसको बताइए, देश का Thank you.
किसी भी राग में एक फोकल पॉइंट होता है जिसमें इस और राग का प्राण वहां पर रहता है। उसको किस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है इसको आप देखिए। अब थोड़ी सी लय की बात उनको देखते हैं। स्वर तो हमने देख लिया 96 प्रकार संभव नहीं है क्योंकि सब मालूम भी नहीं है कितने हैं उन प्रकार, लेकिन हमने देखा कि स्वर का लगाव, आवाज का लगाव, काव्य का प्रयोग, विश्रांति इत्यादि के द्वारा हम भाव की किस प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब थोड़ा लय को भी जाए, कल मैंने कहा था कि स्वर तो चाहे सारे संसार में हो या न हो किंतु हमारे सारे जीवन में जो कुछ भी हम बोलते हैं उस सब में लय। एक डॉक्टर वार्ड ने अपने साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में बड़ा सुंदर कहा है, देयर इज सच अ थिंग एज साइकिक बुद्धि, मानसिक छंद एक होता है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, और किस रस के लिए किस प्रकार का छंद काव्य में चाहिए और किस रस के किस प्रकार के लय संगीत में चाहिए, इस पर हमको थोड़ा विचार करना। एक जगह में गान मंडली में गान सुनने गया था, वहां गायक गा रहा था कौन गत भई दिया न पूछे एक बात, और वो इस प्रकार से गा रहा था कौन गत भई कौन गत भई गत 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 भई कौन गत भई। जब गान समाप्त हुआ तो मेरा परिचित था वो कलाकार, मुझसे आगे उसने पूछा कैसा लगा आपको, मैंने कहा उसकी गत जो कुछ हुई होगी वो तो हुई होगी, आपने तो गत बना दी। अब आप देखिए ये भी प्रलम्ब श्रृंगार का काव्य है, वियोग श्रृंगार का काव्य है, इसमें मध्य लय या द्रुत लय नहीं चल सकते, इसमें विलंबित लय होनी चाहिए। Yeah.
13वीं सदी के बाद हमारे संगीत में क्रिया और शास्त्र में, लक्ष्य और लक्षण में एक खाई है। विद्या उन लोगों के हाथ में पहुंच गई जो या तो अशिक्षित या अर्धशिक्षित है। उन्होंने बहुत कुछ उसको सुरक्षित रखा, इसका श्रेय उनको है। संगीत में आज हम गुरस नहीं पाते जो कि हमको मिलना चाहिए। अब हमारे संगीत की दुर्दशा जो इस समय हो गई है वो दो प्रकार से हुई। द्रुपद की हत्या ताल की वेदी पर हो गई और ख्याल की हत्या तान की वेदी पर हो गई। माने क्या कि चाहे ताल हो और चाहे तान हो, ये साधन है, साध्य नहीं। इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज ओनली अ मींस। एक फ्रेंच क्रिटिक ने कहा है, इन ऑल आर्ट्स गिव ऑल योर डेज एंड नाइट्स टू द मास्टरी ऑफ टेक्निक, वंस यू हैव मास्टर्ड इट फॉरगेट इट। आज जो हमारा संगीत चल रहा है वो केवल ग्रामर, संगीत का जो ग्रामर है वो चल रहा है। द्रुपद में मारपीट चल रहा है और काल में तान की वेदी पर हत्या हो रही है। कई लोग तो ऐसी ताने लेते हैं जैसे मालूम होता है दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं। कुछ लोग ऐसी ताने लेते हैं जैसे मालूम होता है कोई मुर्गी को कोई हलाल कर रहा है। तान की मास्टरी बहुत कठिन है। तान की पांच शर्तें हैं। एक तो यह है कि प्रत्येक आकार मोती के दाने के समान आवे। ये कोई तान नहीं, ऐसे भी ताने लेते हैं, आकार का पता नहीं चलता। फिर वो आकार स्वर में। तीसरी शर्त यह है उस राग के स्वर में हो जिस राग में आप तान ले रहे हैं। आकार आपका राग गा रहे हैं कुछ, आकार आपका कुछ चल रहा है। चौथी शर्त यह है कि ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। गम प गम प गम पथ प गम पथ निध प चल रहा है, ये वोकल एक्सरसाइज है। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, इन दोनों में अंतर है। यदि मंच पर भी प्रस्तुतिकरण के समय भी हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे घर में अभ्यास के समय करते हैं, तब हम कला की सृष्टि नहीं कर सकते। तो आज जो कठिनाई है वो ये है। और दूसरी कठिनाई यह है, कम से कम मैं ख्याल में देख रहा हूँ, वर्षों से सुन रहा हूँ काल को, दूसरी कठिनाई यह है कि धीरे धीरे ख्याल जो है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की तरफ जा रहा है। उसकी प्रवृत्ति जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की ओर जा रही है। मैंने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में जैसे उन्होंने एक गत बजाई और उसके बाद तोड़े प्रारंभ कर दिए, वैसे ख्याल में बड़ी कृपा की उन्होंने पूरी स्थाई कह दी। किसी को तो अंतरा याद ही नहीं, अंतरा अगर याद है भी तो उसकी गायकी नहीं, उसका कोई बर्ताव नहीं। ख्याल में एक केवल मुखड़ा को पकड़ लेते हैं और मुखड़े के बाद दैत्य रे की ताने मारना प्रारंभ। तो जो अरुचि हो रही है हमारे संगीत से, इसके दोषी कम से कम 50% तो हमारे कलाकार ही, यदि अधिक नहीं। क्योंकि कला में भाव का सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य कैसे होता है इसको बिना जाने हुए कला और कलाकार और कलाबाज में बड़ा अंतर है। आज कलाकार बहुत कम है, कलाबाज अधिक हो। किसी भी कला में एस्थेटिक ब्यूटी, कलात्मक सौंदर्य और इमोशनल एक्सप्रेशन
भावाभिव्यक्ति, ये दो अंग हैं। जहाँ एक कलात्मक सौंदर्य होता है वहाँ हम कह उठते हैं वाह, और जहाँ भावाभिव्यक्ति होती है वहाँ हम कह उठते हैं आह। वाह और आह ये दोनों नहीं जिस कला में हैं, वह कला किसका? अतः हमको ये देखना होगा, यदि हम अपने संगीत का सुधार करना चाहते हैं तो हमको इन सब बातों का पर ध्यान रखना होगा, तभी हमारी जो संगीत कला है वह उत्कृष्ट रूप धारण करेगी। अब इसके बाद मैं एक महिला के स्वर में जौनपुरी राग सुनवाना चाहता हूँ, किशोरी अमोनकर का। आप देखेंगे कि स्वर का प्रयोग, मैं इसलिए उसको दिखला रहा हूँ कि स्वर का प्रयोग जो आलाप है उसमें उस राग का प्राण, स्वर का जो उच्चार है, किस प्रकार से उच्चार में उसके प्राण को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, ये इस रिकॉर्ड से आप सुन सकते हैं।
इसको मैंने इसलिए दिखलाया कि इसमें ताने बिल्कुल साफ हैं, वो लड़ाई नहीं है तानों की जो और अन्यत्र स्थानों में आप पाते हैं। अब दो शब्द मैं गायन और वादन के अंतर पर कह करके अपने वक्तव्य को समाप्त करूँ। प्रायः ये धारणा बन गई है हमारे कलाकारों की कि गायन में शब्दों की कोई विशेषता नहीं, जो कुछ है वो स्वर। इसमें तृणमात्र संदेह नहीं कि स्वर तो प्रधान है ही, परंतु गायन और वादन में अंतर है। वादन में केवल स्वर और गायन के पास स्वर और साहित्य दोनों का सुंदर सामंजस्य है। स्वर को प्रेरणा मिलती है साहित्य से और साहित्य अनुप्राणित होता है स्वर के द्वारा, यह विशेषता गायन की। दुर्भाग्यवश लगभग 18वीं शती से जो हमारी बंदिशें ज़्यादातर गायन में हुई हैं वो बहुत ही क्या कहूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रायः तो सास ननद का झगड़ा और सौतन को कोसना प्रायः यही साहित्य में देखने को मिलता है, और यहाँ तक कि कभी कभी तो निरर्थक शब्द भी मिल जाते हैं। एक जगह मैं सुन रहा था, लंगर तुरक जिन छुओ मैं गारी दूँ, तो मैं बड़े चक्कर में पड़ा कि लंगर तो कृष्ण का नाम है, कि तुरक कहाँ से आ गया। सोचते सोचते समझ में आया कि छुओ का कर्म कोई होना चाहिए, तो कर जिन छुओ का बिगड़ करके तुरक चल। तो इस प्रकार की बातें जो चल रही हैं वो ये कहते हैं हमारे कलाकार कि हमको शब्द से क्या मतलब। शब्द से अगर आपको नहीं मतलब है तो आपसे कौन होगा ये। फिर शब्द गाते हैं और निरर्थक शब्द गाते हैं, और शब्द के भाव को और स्वर के गुंफन का सामंजस्य आपके गाने में नहीं है तो फिर वो गायन नहीं है, वो तो वादन ही एक प्रकार का हो गया। मैं समझता हूँ कि गायन की यही विशेषता है कि उसमें स्वर और साहित्य दोनों का सुंदर सामंजस्य, जो कि केवल वादन में नहीं है। वादन में स्वर का सौंदर्य है निसंदेह, परंतु वो सामंजस्य नहीं मिलता साहित्य का जो गायन में मिलता है। अब इसके अतिरिक्त एक विशेषता जो हमारे संगीत की है उसको कहकर के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँ। हमारे संगीत में एक बड़ी विचित्र विशेषता यह रही है कि प्रकृति के साथ उसने अपना तादात्म्य रखा है। वर्षा ऋतु में सांवरे घुंघरारे बादल जब अपना पंख पसारे हुए हमारे आंगन के ऊपर से उड़ते जाते हैं, तो क्या हमारी मानवता इसी में है कि हम अपने कमरे के कोने में बैठे हुए जूते के ऊपर पॉलिश करते हों? उसके लिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के मेघ और मल्लार राग उन्होंने बनाए। आये बदरा कार कार आये बदरा कार। बसंत में जब वृक्ष पुष्पों का श्रृंगार करके अपनी भुजाओं को प्रसारित करके हमसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं, वन देवी के हाथ से जब भाई दूज का निमंत्रण आता है, तब क्या हम कंधे पर छाता रखे हुए और प्रया अपने कार्यालय की ओर दौड़े हुए चले जाते हैं? जो प्रकृति का प्राचीन समय आज का मानव कोल्हू का बैल हो गया है, दिन भर पीसता है रात भर पीसता है, ये तो आज का हमारी सभ्यता का परिणाम है। परंतु हमारे यहाँ जो संगीत रहा है वो ये रहा है
कि जो ऋतुओं का परिवर्तन होता रहा है और उसके साथ हृदय के भावों में जो उल्लास का उमंग होता रहा है, उस सब का सामंजस्य एक संगीत की बड़ी विशेषता रही है। तो जैसे यहाँ पर बरसात में, वर्षा ऋतु में उल्लास होता है और नाना प्रकार के मल्लार राग बने हुए हैं। मल्लार का तो मैं समझता हूँ शुद्ध रूप मल्हार है, मलम हरति इति मल्हार, जो मल को हर ले वो है मल्हार, वो बिगड़ करके मल्लार बन गया। अकबर के समय में आप देखें कि मल्लारों की होड़ लग गई। तानसेन को मियाँ को उपाधि मिली हुई थी, जो कुछ भी वो उनकी कृति होती थी उसमें मियाँ का नाम लगा हुआ होता था, उन्होंने मियाँ की मल्लार बनाई। फिर रामदास ने रामदासी मल्लार बनाई, उनके पुत्र सूरदास जो थे वो सूरदासी मल्लार, सूरदास जो भक्त थे उनकी नहीं है, रामदास के जो पुत्र थे सूरदास वो सूरदासी मल्लार बनाई, चर्जू मल्लार, मीरा मल्लार, मल्लारों की होड़ लग गई अकबर के समय में। इसी प्रकार से बहार, बसंत, जब बसंत का ऋतु आता है तब जो ये तमाम चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य होता है उससे सामंजस्य के लिए, हृदय में आनंद के उल्लास को व्यक्त करने के लिए हमारे यहाँ बहार और बसंत राग इत्यादि बने हुए हैं, जिससे प्रकृति से हमारा तादात्म्य व्यक्त होता है। यह विशेषता भारतीय संगीत की जो मैंने देखी वो अन्यत्र मैंने नहीं देखी। तीन दिन से हमारा ये व्याख्यान राग और रस पर चल रहा है। मैंने प्रयत्न किया कि रस का स्पष्टीकरण करूँ, रस को साधारणतः हम लोग नहीं समझते, और उस रस का राग से क्या संबंध है इसका भी मैंने प्रयत्न किया। जो ये मध्य देश प्रदेश रहा है, ग्वालियर में अकबर के समय में 18 वहाँ पर गायक वादक थे, उन 18 में से 11 ग्वालियर के, ऐसे ग्वालियर, देवास, टीकमगढ़, रीवा, तानसेन तो रीवा ही से गए, मैंने तानसेन के जो अंतिम वंशज थे उस्ताद मोहम्मद अली, वो 6 महीना वहाँ गिद्धौर एक रियासत थी बिहार में वहाँ रहते थे और 6 महीने रामपुर रहते थे। मैं उनको सुनने के लिए गया था, उन्होंने एक विचित्र कथा मुझको सुनाई, कहाँ तक वो सच है कहाँ तक गलत है ये तो मैं नहीं जानता, परंतु जो उन्होंने सुनाई वो मैं आपको बताता हूँ कि संगीत कला का कितना सम्मान उस समय होता था। पहले तानसेन जो थे वो शेर शाह सूर का जो लड़का था इस्लाम शाह सूर, उसके दरबार में थे। रीवा के राजा रामचंद्र ने उनको वहाँ से बुलवा लिया और अपने दरबार में उनको रखा। अकबर जब गद्दी पर आए तब नवरत्नों में उनको ढूंढते, बीरबल इत्यादि को और टोडरबल इत्यादि को रखा। उन्होंने कहा संगीत का भी एक रत्न होना चाहिए, और संगीत रत्न का जब उन्होंने पता लगाया तो पता लगा कि भारत भर वर्ष भर में सबसे बड़ा तानसेन जो है वही रत्न बन सकता है। जलालुद्दीन खुर्ची उनके सेनापति थे, उनके हाथ उन्होंने एक फरमान भेजी, उस फरमान में ये अबुल फजल ने जो रिकॉर्ड किया है उससे मैं कह रहा हूँ, उस फरमान में उन्होंने लिखा था राजा रामचंद्र को कि मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई नजराना नहीं चाहता, एक नजराना चाहता हूँ, और वो तानसेन को आप हमें दे दी, और उसके एवज में हम ये शर्त करते हैं कि मेरे रहते हुए आपके ऊपर कोई भी चढ़ाई आक्रमण नहीं करने वाले। बेचारे राजा रामचंद्र बहुत ही असमंजस में पड़े, लेकिन तानसेन ने कहा कि महाराज मैं तो आपको छोड़ जाना नहीं चाहता, परंतु यदि आपको आक्रमण की आशंका है तो आपकी रक्षा के लिए मैं जाने को तैयार हूँ। बहरहाल तानसेन तैयार हुए। तानसेन उस समय तो हाथी पर चढ़ नहीं सकते थे, घोड़े पर चढ़ नहीं सकते थे, पालकी पर सवार हुए।
तो चार कहार एक तरफ और चार कहार एक तरफ, बीच में जब एक बाग में पहुंचे उनको प्यास लगी और जब उतारी गई उनकी पालकी, तो तानसेन देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि उन आठ कहारों में से एक राजा रामचंद्र जो अपने कंधे पर तानसेन को लेकर के। ये कथा हमको उन्होंने सुनाई और तब वो तानसेन फूट फूट कर रोने लगे और कहा, महाराज अब मैं जाऊं। उन्होंने कहा, नहीं अब तो जाना ही होगा। तानसेन जब अकबर के दरबार में पहुंचे तो अबुल फजल ने ये रिकॉर्ड किया है अपने आईने अकबरी में कि पहले दिन जब उनका गान हुआ अकबर के दरबार में, तो अकबर ने हुक्म दिया कि इनको 1,00,000 टंका चांदी का रुपया जो होता था वो टंका कहलाता था, 1,00,000 टंका नजराना में पेश किया जाए जो कि इनकी तनख्वाह में से वो काटी गई। वो उनको नजराना मिला तानसेन को। तानसेन ने कहा, हुजूर मैं आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ आ गया हूँ, पर मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा, वो क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि ये दाहिना हाथ मेरा जो है ये केवल राजा रामचंद्र के लिए उठेगा, मैं दाहिने हाथ से आपके दरबार में सलाम करता हूँ। अकबर बड़ा कला प्रेमी था, उसने कहा ये भी शर्त मंजूर, तुम हमारे यहाँ रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश से ही इतने कलाकार गए, ये एक प्रकार का उत्तरी भारत का केवल मध्य नहीं रहा है, कला का भी मध्य रहा है। और मुझे बहुत कुछ आशा है कि यहाँ पर कला एक उत्कर्ष को प्राप्त होगी और सबका श्रेय जिस निस्वार्थ भाव से वाजपेयी जी ने किया है उन्हीं को प्राप्त होगा। ईश्वर से केवल यही प्रार्थना है कि वो चिराय हों और सदा अशोक बने रहें। और मनीषा के प्रतिबंध होने की दिशा प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।
ठाकुर साहब का विवाह आई थिंक मेरे सिट पर लॉन्ग टाइम राधा कुरे हैं बात किया मित्रों संगीत के बहुत से पक्ष और सब पक्ष पर को हम इस सभा में ले नहीं सकते एक साथ में। सबसे भारी गड़बड़ी जो हुई है वो मॉडर्निटी क्या है इसके समझ में। क्या मॉडर्निटी के माने यही है कि नवत्व है? क्या नवत्व और मॉडर्निटी आधुनिकता दोनों एक ही हैं? ये प्रश्न सबसे गड़बड़ हुआ है। मैं समझता हूँ कि नवत्व तो रागों में बहुत होते रहे हैं। मैं अपने लड़कपन में मैंने भैरवी में कभी तीव्र मध्यम लगाते नहीं सुना और शास्त्र में बिल्कुल वो वर्जित है, लेकिन गौहर झा ने लगाया या प्यारे साहब ने लगाया किसी ने भी लगाया हो, अब भैरवी में बिना तीव्र मध्यम के सुनते ही नहीं, ये नवत्व हो गया, समझा आपने। मैंने जयजवंती राग सुना है उसमें कोमल गंधार शुरू में पहले जयजवंती राग में था ही नहीं। अच्छा देश अंग से पहले जयजवंती राग गाते थे ज़्यादातर ध्रुपद देश अंग से, अभी जयजवंती में ज़्यादातर हैं, लेकिन अब वो खमाज अंग से गाते हैं और कोमल अंग से गाते हैं, एक विचित्र विप्रलम्ब श्रृंगार उसमें पैदा करते हैं। ये नवत्व होता रहा है हमारे रागों में, ऐसी बात नहीं है कि नवत्व नहीं है। और ये भी बात नहीं है कि हमारे रागों में संपूर्णता आ गई है, ये भी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जैसा कि लाट साहब ने कहा कि 13वीं सदी में जो उन्होंने शारंगदेव ने अपने संगीत रत्नाकर्म जितने राग लिखे हुए ये भी आजकल को याद है। और 13वीं सदी को जाने दीजिए, 17वीं सदी में फकीरुल्ला ने जो राग दर्पण में अपने लिखे हैं, वो बहुत भारी संगीत का प्रेमी था फकीरुल्ला, औरंगजेब का जनरल था, और उसने राग दर्पण ग्रंथ लिखा है जो कि राजा मान सिंह के राग कौतूहल के आधार पर है। उसमें इतने मैंने राग देखे जो एक विचार में नहीं आ, मैंने 90% वो 17वीं सदी में और 20वीं सदी में इतना अंतर हो गया। तो असल में बात यह है कि एक गड़बड़ हम लोगों ने किया है, वो ये है कि हम संगीत को उसी धरातल पर रख रहे हैं जिस धरातल पर और कला है, ये गड़बड़ है। क्यों? दो कलाएं, दो प्रकार की संसार में कलाएं हैं, एक तो हिटरोनोमस आर्ट और दूसरा ऑटोनोमस आर्ट। संगीत एकदम से ऑटोनोमस आर्ट, वो हिटरोनोमस आर्ट नहीं है। कोई आप चित्र देखें तो आप ये कहेंगे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, संगीत में आप ये नहीं कहते ये शब्द क्या रिप्रेजेंट करता है, शब्द अपना शब्द रिप्रेजेंट करता हो तो नहीं रिप्रेजेंट करता है। ऋषभ क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है, ऋषभ का जो आनंद है वही रिप्रेजेंट करता है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑटोनोमस आर्ट है, दुनिया में ऐसा कोई आर्ट नहीं है जो इतना ऑटोनोमस हो जैसा संगीत है। और लिटरेचर में आप देखें, अब आप लिटरेचर की आधुनिकता लाना चाहें, उसमें सोशलिज्म आ गया, उसमें शास्त्र जैसे सोशलिस्ट ड्रामा लिखने लग गए, वैसे संगीत में क्यों नहीं होता? अरे संगीत भाई वो ऑटोनोमस आर्ट है ही नहीं, संगीत इन सब बातों का नैरेटिव तो भाई थोड़े संगीत बताता है। संगीत तो हृदय के अंतस्तम भाव को व्यक्त करने के लिए है, आनंद के क्षेत्र से आगे कुछ संगीत का कोई मतलब नहीं है। तो एक तो ये समझना चाहिए संगीत के जितने शब्द हैं उनमें ही आप देखिए स्वर शब्द क्या है, स्वतः रंजयति इति स्वर अथवा स्वयं राजते इति स्वर, दोनों में स्वयं शब्द लगा हुआ है, ऑटोनोमस शब्द लगा हुआ है। तो संगीत को हम साधन बनावें एक तो ये है, और संगीत साध्य है एक तो ये है। संगीत को जब हम साधन बनाते हैं तब वो केवल संगीत नहीं रह जाता है, तब वो एक रिप्रेजेंटेटिव आर्ट हो जाता है, एक प्रोग्राम म्यूजिक जैसा हमारे मित्र ने कहा, वो अप्लाइड म्यूजिक प्रोग्राम म्यूजिक हो जाता है, केवल संगीत मात्र नहीं रह जाता है। तो एक तो ये हमको समझ लेना चाहिए, इसलिए संगीत से हम उतनी अपेक्षा नहीं कर सकते, संगीत की में हम वही उन्हीं बातों को नहीं ढूंढ सकते जो हम और कलाओं में ढूंढते हैं, जो और कलाएं रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात यह है कि केवल स्वर भी राग नहीं, राग म्यूजिक बड़ा विचित्र है। मैंने हमारे यहाँ जो संगीत की कला रही है वो लोरियाँ तो माँ जन्म से गाती हैं, ये कोई ये इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती हैं कि कोई मूर्छना बन जाए या कोई ठाट बन जाए तो हम लोरी गाना शुरू करेंगे, वो तो स्वाभाविक है। संगीत उसको फॉर्मलाइज किया सबसे पहले सामवेद ने,
और सामवेद को एक्सपेंड किया गांधर्व संगीत ने, जिसके कि हमारे प्रतिनिधि भरत हैं और दत्तिलक हैं। और क्या किया राग संगीत ने, क्या किया कि उनके जो मुख्य तत्व थे उनको ग्रहण करके रंजकता की ओर अधिक ध्यान दिया। मैंने राग शब्द का अर्थ ही है रंजयति इति रागः। अब वहाँ भी आप देखें स्वतः रंजयति इति स्वरः, रंजयति इति रागः, वो रंजकत्व जो है वही प्रधान है राग का। और वो राग संगीत साधन नहीं बन सकता किसी और का। भरत ने एक जगह अपने नाट्य शास्त्र में यह प्रश्न उठाया है कि मैंने गीतम ही नाट्य से शैया, मैंने गीत के ऊपर इतना बल क्यों दिया है नाटक में। तो 33वें या 34वें अध्याय में भरत कहता है क्योंकि ऐसे सूक्ष्मतर भाव हैं हृदय के जो शब्द द्वारा नहीं व्यक्त हो सकते, वो केवल स्वर द्वारा। उसको वो काकु प्रधान जो है, वो काकु एक ऐसा शब्द है कि नाटक में भी बहुत आता है और संगीत में भी बहुत आता है। और वो स्वरों के द्वारा, नाटक में ध्वनि के द्वारा वो बदल जाता है और संगीत में स्वर के द्वारा बदल जाता है। नाटक में यदि हम कहते हैं ये आप ही का घर है मित्र से, तो ऐसा कहते हैं। और कोई जो स्ट्रेंजर आ गया कहते ये आप ही का घर है। अब देखिए शब्द वही है लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल अर्थ बदल गया। तो वहाँ का जो है नाटक में काम करता है और संगीत में स्वर के द्वारा काफी काम करता है। स्वर के द्वारा जो है वो हृदय की भाषा है और मानव मात्र की भाषा है, वो एक देश की भाषा नहीं है। मैंने कालिदास की रंजकता हम यदि समझ सकते हैं, जान सकते तो कभी नहीं हम समझ सकते हैं। जयदेव का गीत गोविंद अगर हम संगीत नहीं जानते हैं, संस्कृत नहीं जान सकते हैं, तो पूरा उसका रस ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और शेक्सपियर को अगर अंग्रेजी में नहीं जानते हैं तो उसका पूरा। परंतु संगीत के लिए आवश्यक नहीं है कि हम वो भाषा जानें। अच्छा आप ये कहेंगे कि बहुत से लोग तो स्वर समझते नहीं, उनकी बात जाने दीजिए। कार्लाइल का एक है दी आई सी एस वॉट इट ब्रिंग्स दी पावर टू सी, मैंने उसको बदल दिया है संगीत में दी ईयर हियर इट वॉट इट ब्रिंग्स दी पावर टू हियर। समझा? तो साधारण व्यक्तियों को जाने दीजिए जिनके कान ही नहीं हैं, जो स्वर में नहीं हैं। तेर सुनो ब्रजराज दुलारे बागेश्वरी चल रही थी और सुनो शब्द का की तरह तरह के वो बर्ताव कर रहा था, तो एक साहब ऑडियंस में बोले अरे इतनी देर से सुन तो रहे हैं, क्या बात बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कान तो शब्द की ध्वनि के अभ्यस्त हैं, स्वर के अभ्यस्त हैं नहीं, तो हम शब्द ही ढूंढते रहते हैं। तो असल में गड़बड़ी जो होती है वो यहाँ होती है कि आधुनिकता के माने हम नवत्व समझते हैं। नवत्व का कोई विरोध संगीत से नहीं है। हाँ अगर आधुनिकता जो ड्रामा और लिटरेचर में जो आधुनिकता चल रही है वो उससे संगीत से कोई संबंध नहीं है। वो संगीत का को साधन आप बनावे तो प्रोग्राम म्यूजिक बनावे वो बात और है। अच्छा अब एक प्रश्न और उठाया गया, मैं समझता हूँ जहाँ तक ये हम लोगों का संवाद था वो तो यहाँ तक समाप्त हो गया। एक प्रश्न रागमाला के ऊपर उठाया गया है, यद्यपि इसका कोई विशेष संबंध से नहीं है लेकिन यतः वह प्रश्न उठाया गया है अतः मैं थोड़ा सा उसके विषय में भी कह सकता हूँ। रागमाला के देखिए दो फेजेस में, दो उसमें पक्ष हो गए हैं रागमाला पेंटिंग। पहले जो राग माला पेंटिंग जो चली होता क्या था, राग को हम लोग प्रत्येक राग को एक देवता समझते थे, उसका ध्यान करते थे। पहले उन स्वरों का भीतर से ध्यान करके तब उस राग को गाते थे। मैंने उनको बखले जी को सुना है, भास्कर राव जी को, वो राग नहीं अनाउंस करते थे, वो ऐसा स्वर लगाते थे पकड़ करके कि छठ से आदमी समझ जाए कि राग बन पनिशागत लगाया समझ गए चलो ब्याह गाने वाले हैं। समझा आपने? तो पहले वो लोग स्वर उस राग के जो स्वर हैं उनमें जो देवता है स्वर में जो देवता मैंने उसका जो स्पिरिट है वही देवता है उसका ध्यान करते थे तब गाते थे।
और उस ध्यान को श्लोक में परिवर्तन करते थे, और उस श्लोक के आधार पर जैसे जाति के पेंटिंग जो हैं उनमें कोई आप श्रृंगार नहीं पाएंगे जाति के पेंटिंग में, वो एक अवस्था थी पहले संगीत रागमाला पेंटिंग की। जब राजाओं और दरबारों में घुसने लगा संगीत और हमारे कलाकार घुसने लगे, तब वो नायक नायिका के रूप में बने, और जितने पेंटिंग बाद में हैं वो सब नायक और नायिका के पेंटिंग मिलते हैं आप, समझाते हैं। वो देवता का ध्यान खत्म हो गया, समझाते, वो तो चला गया, नायक और नायिका का ध्यान आ गया, उनको का ध्यान कह सकते हो आप। और वहाँ पर प्रत्येक जो चित्रकार है वो जैसा आपने कहा वो सब्जेक्टिव अपना जैसा उसके समझ में आया वैसा क्या है, उसमें बहुत से प्रश्न हैं। एक जर्मन राइटर है, वो पेंटर भी है और म्यूजिशियन भी है, उसने कोई 25 वर्ष इस विषय पर लगाए हैं अपना अध्ययन करने का, और उसके दो खंड उसमें प्रकाशित हो चुके हैं। मैंने यहाँ कहा था आपसे पहला खंड शायद आ भी गया है, दूसरा खंड भी नहीं आया है, वो उसको आप पढ़ें तो ये बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा ये जो प्रश्न है रागमाला पेंटिंग का, क्योंकि ये विषय दूसरा है और उसमें क्योंकि उसमें बहुत से प्रश्न उपस्थित होते हैं कि जो उसमें रंग जो इस्तेमाल होते हैं वो रंग क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, पीला रंग, सफ़ेद रंग, काला रंग, कौन सा रंग लगाएंगे, किस राग के लिए।